કેમ છો? સો વી હેવ કરન્ટલી પ્રોફેસર દેવી પ્રસાદ અમે જોઈન કરેંગે બાય વિધિન 5 મિનિટ્સ ઓર આઈ એમ શ્યોર દિસ અ ગુડ ડે ટુ સ્ટાર્ટ. આજ સમજને કે ટ્રાય કરતે હૈ કે જો યે બ્લોકચેન હૈ યા બિટકોઇન બોલતે હૈ યા ક્રિપ્ટો બોલતે હૈ તો ઇઝ ઇટ શનિ યા શનિ ક્યા હૈ? તો આઈ એમ શ્યોર આજ કે વર્કશોપ સે હમે કાફી ઇનસાઇટ્સ મિલેગી. Hello, good morning, Professor. Our today's speaker and eminent personality, Professor Devi Prasad, is in. Good morning, sir. And let me start with my these things. Ke why Bitcoin? Ek hum sab aaj ki tarikh mein jo bhi hum sab log ikattha hue hai aaj, usme se everybody koi industrialist hai, koi businessman hai, koi professionals hai, koi students hai. हर एक लोग अपने अपने फील्ड में एक एपिटोम पे है, एक अच्छी चीज कर रहे हैं. और हम सब ये जानते हैं कि हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं सूरत का एग्जांपल लूँ तो 70s में अचानक रियल एस्टेट का एक बूम स्टार्ट हुआ. और आज की तारीख में अगर एनालिसिस में करूँ और मैं देखूँ कि सूरत के टॉप 20 मिलियनर्स को मैं अगर एनालिसिस करूँ तो उसमें से मैक्सिमम लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए. तो उसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने ट्रेंड को पकड़ा. उन्होंने देखा कि रियल एस्टेट अच्छी तरह से बाय डिफॉल्ट और बाय विथ पर्पसली दे हैव सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर फील्ड. और बिकॉज ऑफ दैट रीजन आज की तारीख में वो लोग एक अच्छी जगह पे पहुंचे हैं. सो अल्टीमेटली ऐसा माना जाता है कि आप अगर कोई ट्रेंड को पकड़ सकते हो, ट्रेंड को समझ सकते हो और राइट टाइम पे अगर आप इन हो जाते हो तो लाइफ में सक्सेस मिलता है. तो ये हम सब जानते हैं. उसके बाद हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आज की तारीख में जिसको हम बोलते हैं कि न्यू रिच, रिच का डेफिनेशन चेंज हो रहा है. अगर आज हम पूछे कि न्यू रिच कौन है तो न्यू रिच वो आदमी है कि जिसके पास कैश फ्लो है और जिसके पास बहुत अच्छी तरह से टाइम है. जिसके पास जितना पैसा है उतना ही अगर टाइम है तो वो लोग सक्सेसफुल माने जाते हैं. तो ये सारी चीज को देखते हुए अगर बिटकॉइन ट्रेंड है, अगर बिटकॉइन इन थिंग है तो हमें बिटकॉइन को समझ के हमें इसमें राइट टाइम पे अगर हम एंटर हो सकते हैं विथ पॉजिटिवली. मतलब जैसे कि बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है. लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन इज बैड, गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करता है. और काफी लोग तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि बिटकॉइन मतलब समथिंग वेरी बैड थिंग. तो ये सारे मिसकंसेप्शन और सारी चीजें अगर दूर करनी है और अच्छी तरह से समझने हैं तो हमारे पास मिस्टर देवी प्रसाद जो है उनसे अच्छा कोई ऑप्शंस नहीं हो सकता. तो मैं मिथुन जी को हैंड ओवर करता हूं. मिथुन जी विल इंट्रोड्यूस अवर टुडे स्पीकर एंड देन विल टेक इट अप फर्दर. बिफोर हैंडिंग ओवर टू मिथुन जी मैं वापस ये बोलता हूँ कि आज का सेशन हमारे सबके बेटरमेंट के लिए है. सो लेट्स यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म और जो भी क्वेश्चन हो, आपको जो भी चीज जानना हो वो आगे आइए और पूछिए. और जैसे मैंने बोला कि वी विल ट्राई टू हैव द सेशन मैक्सिमम इन हिंदी सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड. लेकिन मैं ये ही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स टेक इट एज अ वेरी वेरी इंडक्टिव इंटरेक्टिव सेशन और लर्निंग सेशन सो दैट एक चीज अच्छी तरह से नए ट्रेंड को हम पकड़ पाए. सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच. आज की मॉर्निंग में आपने टाइम स्पेंड करके ये वर्कशॉप में आप ज्वाइन हुए हैं उसके लिए थैंक्स एंड लेट्स रॉक. ओवर टू मिस्टर मिथुन देसाई. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. केम छो गुजरात? सो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं फॉर सम लर्निंग, कुछ थोड़ा क्लैरिटी के लिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए और अल्टीमेटली कि भाई जो ये करंट ट्रेंड है वो हमारे वेल्थ रिलेटेड क्या इंपैक्ट कर सकता है या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो हमारे साथ है प्रोफेसर देवी प्रसाद एंड मुझे लगता है कि इनसे बेटर पर्सन आज के टाइम पे बिटकॉइन या ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करने के लिए वुड नॉट बी एनीबॉडी एल्स सुटेबल फॉर दिस कंपेयर टू हिम. और उसका एक ही रीजन है, मैं उनको मेरे IIM के टाइम से जानता हूँ और जो हमारा प्रैक्टिकल सेशंस थे बेसिकली अपार्ट फ्रॉम थियोरी
वो वॉज इम्पार्टेड बाई प्रोफेसर देवी प्रसाद। तो प्रोफेसर जी ना सिर्फ थियोरिटिकल टीचिंग में है ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, लेकिन खुद काफ़ी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में एक्टिवली इन्वॉल्व है और काफ़ी सालों से इस टेक्नोलॉजी और इससे कनेक्टेड है। अगर सिंपल लेमेन में समझाऊं तो ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हम प्रोडक्ट नेम्स नहीं बता सकते, बट अभी वो एक बैंक के लिए काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पूरा ब्लॉकचेन पे, हाउ कस्टमर लॉयल्टी कैन बी कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन, यानी कस्टमर का फाइनेंशियल बिहेवियर, वो सेविंग क्या कर रहा है, उसका कितना परसेंटेज ऑफ इनकम में से वो ईएमआई पे कर रहा है, काफ़ी चीज़ें हिसाब से कस्टमर विल बी रिवॉर्डेड। मोस्टली बैंकिंग प्लेटफॉर्म में पेनल्टी होती है नॉन ऑब्जर्वेंस के लिए, और ऑब्जर्वेंस के लिए रिवॉर्ड नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी पे वो करंटली ही इज बीइंग एम्प्लॉयड, ही रेंडर्स हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। ऐसे ही दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहाँ पे क्रिप्टो टू क्रिप्टो क्रिप्टो को हम लेंड कर सकते हैं। तो प्रोफेसर देवी प्रसाद जी इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट विच इज ट्राइंग टू कनेक्ट द ट्रेडिशनल फाइनेंस इन दिस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि अगर किसी के पास शेयर्स है तो वो डायरेक्टली किसी और को कैसे सिक्योर्ड वे में लैंड कर सके। करंटली बैंक होती है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में, सो वी हैव टू लैंड टू बैंक और बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो हियर दे आर ट्राइंग टू कि भाई पी टू पी कैसे इसमें कर सके। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म ही इज वर्किंग ऑन एंड डिस्पाइट इज ऑनलाइन रेप्यूटेटिव इकोनॉमी, ऑनलाइन रेप्यूटेशन इकोनॉमी, यानी कि हमारा जो डिजिटल प्रेजेंस आज हम सबका बढ़ रहा है, तो हमारा ब्लॉकचेन थ्रू पीपल वुड बी रेटिंग अस कि हमारे कितने फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टा पे, हम क्या पोस्ट डाल रहे हैं, हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हम क्या कमेंट कर रहे हैं। तो जैसे सिबिल स्कोर होता है हमारे क्रेडिट स्कोर के लिए, तो ऐसे ऑनलाइन रेपुटेशन स्कोर के प्लेटफॉर्म पे। तो द क्रक्स इज आई विल नॉट टेक मच टाइम, काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है ब्लॉकचेन पे और क्रिप्टो पे और बहुत तेजी से हो रही है, एंड दैट इज वाई एट जम्बो वेल्थ हमें लगा कि एक सेशन करना जरूरी है कि हमें इस पे थोड़ा इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी मिले। तो सर स्टेज इज ऑल योर्स। ओके सो सर लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट बेसिक थिंग, सर व्हाट इज मनी? मनी पहले तो थैंक यू राजेश एंड मिथुन फॉर हैविंग मी हियर, इट्स आई ऑलवेज गेट डिलाइटेड टू स्पीक टू पीपल वेयर आई कैन share some of the knowledge whatever I have grabbed in few years. After I learned this technology, I never looked back. Thank you for that, first of all. And I must appreciate and thank to all of you whoever has taken time and joined this program. I'll try my level best to help you all to unblock your mind, whatever is there. Jo bhi aapke dimag mein ruka hua hai, wo main unclog karne ke liye koshish karunga. मेरे जितने भी हद तक मेरे नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन मिथुन कि पैसा क्या है, मनी। सो सी मनी अगर हम देखें तो अभी फिलहाल किसी को भी हम पूछे एनी बडी वी आस्क वी विल गेट टू नो कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम कुछ सर्विस लेते हैं या देते हैं उसके अगेंस्ट में हम मनी को यूज करते हैं। सिंपल, अगर आप खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, कुछ कहीं से कुछ किसी को बोले गया आप अपना मेरा फाइलिंग कर दो रिटर्न, तो वो कुछ चार्ज करता है, तो एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट होता है और उसी को हम पैसा मान के चलते हैं। दूसरी चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ये है कि मैं जब वो पैसा आपको देता हूं, व्हेन एवर आई गिव यू आर वेरी मच विलिंग टू एक्सेप्ट, देयर इज एन एक्सेप्टेंस कि ये पैसा जो है आरबीआई गवर्नर ने साइन करके लिख के दिया है एंड इसके पीछे एक कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से हर कोई एक्सेप्ट करता है। मैं देता हूं तो आप लेते हो, आप लेते हो तो दूसरे किसी को देते हो, वो भी एक्सेप्ट करता है एंड दैट इज ऑल मनी। बट मनी यहीं से शुरू नहीं हुआ है। टू बिगिन विद व्हाट वी विल डू इज all of us can go through a little bit of backward in the history how money has evolved, kaise money change hota aaya hai, pehle paisa kya tha,
और आज किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं और क्या है उसका डेफिनेशन, कुछ चेंज हुआ है या बदला है या खराब हुआ है या अच्छा हुआ है, उसको समझते हैं पहले, फिर हम कनेक्ट करते हैं कि अभी जो फिलहाल डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, जो भी है, वो किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस लेके आता है और ये क्या चेंजेस लेके आया है, इसको समझते हैं। बट बिफोर दैट लेट अस मेक दिस इंटरैक्टिव। सो आई वुड आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल द ऑडियंस, वी हैव सम 54 फोक्स, कि आप टाइप कीजिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन हो, बिटकॉइन हो, आप हाउ मेनी इयर्स ऑफ ओल्ड यू आर इनटू दिस। आप एक महीना से जानते हो इसको, दो दिन से जानते हो, आप टाइप कीजिए, आप चैट मोड पे सेंड टू एवरीबडी पे टाइप कीजिए, लिखिए कब से आप इसको सुने हैं, जानते हैं या कुछ इसके बारे में जानते, कितना भी महीना हो, दिन हो। सो सर आंसर इज 3 months, 1 year, मिनिमम 3 months का है एंड मैक्सिमम देयर आर। सो यतिन पटेल है, उन्होंने बोला है 5 years। ओके, 6 मंथ तक आया है आंसर। ओके, वेरी गुड। दुर्गेश सिंह इज 7 years, सो ही इज नोइंग इट फ्रॉम 7 years। आई थिंक दैट इज द लॉन्गेस्ट वन। शॉर्टेस्ट इज 3 months। 3 months, ओके। सो 7 साल और 3 महीना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं कुछ शेयर करूंगा स्क्रीन पे। अभी समझते हैं कि यू नो मनी कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम हिस्ट्री एजेस और क्या चेंजेस होता आया और अभी कैसे वो कनेक्ट हो रहा है और ये चेंजेस क्यों हमारे सामने आके रुका है। जैसे राजेश जी बोले कि हम ये ट्रेंड को पकड़ रहे हैं या ये ट्रेंड को जाने देना चाहिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई उन्होंने। एंड सरप्राइजिंगली अगर आप देखिए तो 3 महीना कोई जानता है और 7 साल से कोई जानता है, मतलब 7 साल पहले ये ट्रेंड को कोई पकड़ा है। ओके, भले ही वो इसमें निवेश ना हो या पढ़ाई की हो या कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, कुछ बिजनेस में ये इन्वॉल्व हुए हो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के रिलेटेड में, बट ट्रेंड उसमें वो निवेश हुए हैं और बाकी सब क्यों नहीं हुए हैं। इधर हम उसको समझ नहीं पाए या करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको सही टाइम पे नहीं मिला है। ठीक है, अभी वो जो भी है हम देखते हैं कि मनी क्या है और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फिलहाल तो हम ये स्थिति में है, वी आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि कौन गवर्न करता है, क्या लीगल है, इलीगल है, फ्लक्चुएशन इतना क्यों है, कहाँ पे रखते हैं इसको, कौन मैनेज करता है, हु गवर्न्स इट, ऑल दो स्टफ हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज दौड़ रहा है और हम कहीं एक स्ट्रेट लाइन पे समझ नहीं पा रहे कि ये चीज क्या है, ऑल ऑफ ए सडन हमारे सामने आया है। मनी एक्चुअली अगर आप देखिए तो बहुत साल पहले सेल्स, सी सेल्स एक मीडियम था जिससे जो भी ट्रेड होता था, जो भी बिजनेस होता था वो टाइम पे, उसके अगेंस्ट में कुछ भी चीज मुझे चाहिए तो सेल्स को यूज करके मैं उसको खरीदता था या बेचता था और सेल्स को लोग पैसे के तरीके से समझते थे। वहां पे तो तब आरबीआई नहीं था, गवर्नर नहीं था जो कि एक सेल के ऊपर सील लगा के बोलेगा कि हूएवर इज बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आई एम यू नो आई प्रॉमिस टू पे ₹100 फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट राइट और 1000 or 2000, ऐसा कोई नहीं था। बट एक विश्वास था लोगों के अंदर कि जिसके पास सेल है मैं वो सेल लेके उसको वो चीज दे सकूं जिसको वो चाहिए। मतलब क्या है इसका, सेल वॉज यूज टू सेटल ए ट्रांजेक्शन, सिंपल कि कुछ भी आप एक्सचेंज करो या ट्रांजेक्शन करो ये आपको सेटल करने में हेल्प करता और आज भी करता है। तो बदला क्या है, सेल से हम यूपीआई में क्यों आए, बिटकॉइन को क्यों सोच रहे हैं, बदला क्या है, वो धीरे धीरे बदला है और वो क्यों बदला है। अगर सेल्स के बाद देखोगे तो फेदर्स भी आया, फेदर्स आज देखोगे तो कोई नहीं यूज करता इसको, ये एक क्या बोलते हैं इसको, मेमोरेबला बोलते हैं कि मैं एक डिफरेंट बर्ड का, एक यूनिक बर्ड का फेदर मैं रखा हूं बुक के अंदर, हो सकते कल को वो म्यूजियम में जाए
ऐसा हो गया, बट पहले वो पैसा था, right? ये जो शिफ्ट हो रहा है, सेल से फेदर हुआ, ये क्यों हुआ? एक तो ये सारी चीज दुनिया में बहुत कम मिल रही, इतना नहीं था, सफिशियंटली अवेलेबल नहीं था। दूसरी ये चीज है कि एक सेल और दूसरे सेल के अंदर फर्क होता था, इसका वेट अलग होता था, उसका वेट अलग। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास बड़ा बड़ा सेल है, तो इसको मैं अगर 10 देना था मुझे, मैं आपको बोलूंगा मैं 6 ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास 6 बड़ा बड़ा, मैं नहीं दूंगा, 10 नहीं दूंगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, मतलब जो पैसा था उसके फॉर्म में से हमको कंफ्यूजन आया, और लोग वहां पे वो भी टाइम पे दिमाग लगाते थे, बोले कि नहीं भाई तेरे को तो 10 सेल देना था, तू 8 क्यों दे रहा है या 6 क्यों दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम को बोलते हैं फंजिबिलिटी, मतलब एक नोट और दूसरी नोट को हम कंपेयर करें, हमारा जो आरबीआई प्रिंट करता है वो दोनों सेम, और एक भी थोड़ा टॉयल हो गया तो फट गया तो हम नहीं लेते, बट तब वो प्रॉब्लम था। अगर आप जर्नी को देखेंगे तो पैसे में ये अंतर आया है कि ये फंजिबल बनाया गया कि एक को दूसरे से अगर आप तोलोगे मापोगे तो सिमिलर आए, एग्जैक्टली एवरीथिंग सेम, बट पहले नहीं था वो। दूसरी बात, ये जो भी यूज होते थे बहुत कम मिलते थे, सफिशियंट नहीं था, और जिसको मिलते थे वो अमीर था, जिसको नहीं मिलते थे वो अपना सर्विस बेचता था या कुछ चीज बेचता था और उसको कलेक्ट करता था। तो देयर वाज इक्विलिब्रियम नहीं था, और हर बार ह्यूमन बीइंग बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो हर बार पूछता है कि इससे अच्छा क्या है, कुछ भी आप दो वो बताएगा कि नहीं मुझे ये तो हो गया भाई, अभी नया क्या है। कुछ दिन पहले हम चेक्स बहुत यूज करते थे, फिर इंटरनेट बैंकिंग आया, अभी हम बोल रहे यूपीआई है भाई, तेरे पास जीपे है, फोन पे है, मैं ये झमेले में नहीं पड़ सकता, तेरे को चेक नहीं दे सकता, तो बताया अकाउंट नंबर, बटन क्लिक करूंगा पैसा जाएगा। अरे तो ये जो जर्नी है अगर आप देखोगे तो उस इंटेंट से इंप्रूव होता आया है। इस बीच में क्या हुआ, जब पर्ल स्टोन तक तो था, वो था, वो नेचर और रिसोर्स देता था, कॉइन्स आया, कॉइन्स में क्या हुआ, तब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक राजा फाइनेंस मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर था वो ये इसमें अंदर आए, और या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लो आप, वो एक डिपार्टमेंट बनाए और वो लोग उसको छापना और सिप देना शुरू किया, और वो एक 20 पैसे का, एक आने का, दो आने का सब बनाना शुरू किया, राइट। और वहां पे फंजिबिलिटी आया कि ये एक आना इस तरीके से इतना साइज होगा, इतना ग्राम होगा, ठीक है, बट पर्ल स्टोन तक वो नहीं था, बट वो 300, 400 या 1000 साल तक वो चला। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग वॉज एबल टू अडॉप्ट, और ह्यूमन बीइंग सबसे इंटेलिजेंट बनता है, वो हर कुछ में एडजस्ट कर सकता है, बट साइमल्टेनियसली वो इंप्रूवमेंट पूछता जाता है कि भाई ये तो हो गया, अभी नया क्या। कॉइन जब आया, एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर घुसा, नहीं तो पहले क्या था, ये पीयर टू पीयर था, मैं आपसे कुछ सर्विस लेता था, आप मुझसे कुछ सर्विस लेते थे, और एक्सचेंज में हम पर्ल और फेदर और सेल्स में सेटल कर देते ट्रांजेक्शन। कोई बीच में आके टैक्स नहीं पूछता था, कोई बीच में आके बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं पूछता था, कोई आके बोल नहीं जा रहा था कि आईटी रिटर्न भरा कि नहीं भरा, राइट। और इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ता, और लोगों के पास इकोनॉमी मतलब क्या है, अपना फैमिली को बचाओ और जो भी अर्न कर सकते हो हंटिंग करो या क्रॉप्स कल्टिवेट करो, और उसके अगेंस्ट में ये सब कलेक्ट करो ताकि ये अपना फैमिली के लिए सिक्योर बने। आज भी हम कुछ भी करते हैं तो अपने फैमिली के लिए सिक्योर बनाने के लिए करते हैं, हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए। जब कॉइन्स ये सब आया और गोल्ड आया, तब क्या हुआ, इंटरमीडियरी बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक सेटअप एस्टेब्लिशमेंट केम इन टू प्ले। गोल्ड भी कुछ हद तक पीयर टू पीयर होता था कि आप मुझे दो मैं आपको दू, और वो सेटल हो जाता था ट्रांजेक्शन, बट कॉइन्स में वो नहीं था। देन आया हमारा फिएट। फिएट मतलब क्या है, जो पैसा हम यूज करते हैं डे टू डे, जो गवर्नमेंट और आरबीआई गवर्नमेंट जो इश्यू करता है उसको हम फिएट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे सिस्टम है कि इंडिया में कितने सारे 20 रुपए के नोट हैं, 2000 के नोट हैं, सबको मालूम है। आप आरबीआई साइट पे जाओ, वो आपको हिसाब बता देंगे, और वहां पे है पूरा कितना है। बट इसका एक रिस्क भी है कि ये काउंटरफिट बन सकता है। जो हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि
गवर्नमेंट या ऊपर लेवल की एपेक्स बॉडी में सबको शक हुआ कि मार्केट में काउंटरफिट नोट ज्यादा आ गई या आने वाली, उसको देख के वो लोगों ने तुरंत चेंज कर दिया। ठीक है, अभी आप देखिए ये नोट कितना अच्छा है कंपेयर टू स्टेल, फेदर, पर्ल, स्टोन्स, कॉइन्स। सबसे अच्छा ये है कि सीमलेसली आप किसी को 5 लाख देना हो तो आप 2 बंडल दे दो, हो जाता है। बट अगर आप मानिए गोल्ड एज में होते तो 5 लाख कैसे आप घिस के काट के कैसे दोगे आप, या कॉइन एज में क्या बोरा पकड़ के ऐसे लेके जाके दोगे आप उसके घर में, 40 लाख देना है किसी को सेटल करना ऑन अकाउंट एवरीथिंग, वो प्रॉब्लम होती है राइट। तो फियाट एक बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ मनी था, बट प्रॉब्लम क्या है वहां पे काउंटरफिट प्रॉब्लम आ गया, डुप्लीकेशन प्रॉब्लम आ गया। पाकिस्तान में कहीं पे कोई बैठ के छाप लेता है और वो समंदर के रूट से पहुंचा देता है बॉम्बे में, और वहां पे डुप्लीकेट जब हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है राइट, लोगों को लॉस होता है। तो गवर्नमेंट उसके बारे में सोचना शुरू करता है, नहीं तो तुरंत क्या करता है 20 रुपए का नोट ग्रीन रहता है सडनली रेड कलर आ जाता है मार्केट में। क्यों आता है? क्योंकि ये रिस्क आरबीआई बहुत डिलीजेंटली मिटिगेट करता है और उसको तुरंत चेंज करके मार्केट में नई नोट लेके आ जाता है राइट। बट फिर भी ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं होता, काउंटरफिट प्रॉब्लम रहता ही रहता है, कल को और कोई आके उसको कॉपी करके बना देगा। और एक बात इसमें बहुत सटल वे में कोई समझ नहीं रहा है कि हमको एक्चुअली कितना पैसा चाहिए और हम कितना प्रिंट कर रहे हैं। जब गोल्ड था दुनिया में गोल्ड लिमिटेड है, आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते आंख बंद कर। जब फेदर था सेल था बहुत लिमिटेड था। तो ये जो आप देखोगे, एक तो बीच में एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट आया, पहले स्कैर्सिटी था अभी स्कैर्सिटी नहीं है, जिसको जितना चाहिए वो प्रिंट कर देता। यूएस अभी 6 ट्रिलियन लास्ट 1.5 ईयर में 4 ट्रिलियन सॉरी 4 ट्रिलियन मनी प्रिंट किया है उन्होंने। जब आप पैसा छापते हो तो क्या होता है, आपकी खर्चे बढ़ जाते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, आप केयरफुल नहीं रहते हो। अगर आपके घर में सडनली 1 करोड़ आया तो क्या होगा, आप जाके कार खरीद लोगे या बंगला खरीद लोगे, जो भी आपके इंटरेस्ट आप खरीद लोगे राइट। तो अगर वो होता है तो क्या होता है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अगर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो आप वो पैसे से पहले 10 किलो चावल खरीद सकते थे आज 4 किलो ही खरीद रहे, तो पैसे का रियल वैल्यू कम होता है बट सप्लाई बढ़ता है। ये एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब 2008 में यूएस में फाइनेंशियल बबल हुआ, क्राइसिस हुआ, वो क्या हुआ कि लोन ज्यादा दिया गया घर खरीदने के लिए, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को अभी आप देखोगे ग्राफ जाके, पुरानी ग्राफ, इंडिया में भी जब क्राइसिस आया, यूएस का क्राइसिस जब हुआ सबप्राइम क्राइसिस, तब वो लोगों ने हाउसिंग लोन देना कम किया, बट इंडिया ने वो क्राइसिस को कवर करने के लिए ज्यादा लोन दिए गए रियल एस्टेट, तब इंडिया का रियल एस्टेट बढ़ा है। क्योंकि उनको पता चला कि अब रास्ता नहीं है और कोई, आईटी तो थोड़ा डाउन हो गया, फाइनेंशियल मार्केट डाउन हो गया, तो रियल एस्टेट मार्केट को लोन ज्यादा दिया गया। जब आप लोन कैसे देते हो, लोन ज्यादा कैसे दोगे, सपोज आप फेदर और सेल के टाइम में होते तो आप लोन ज्यादा, बैंक तो नहीं था, फिर भी अगर बैंक होता तो ज्यादा कैसे दे सकता था, लोन नहीं दे सकता था बिकॉज सप्लाई वॉज लिमिटेड। अब क्या हो रहा है, मार्केट को या इकोनॉमी को ठीक करने के बहाने में हम पैसा ज्यादा छाप लेते हैं, और जब पैसा ज्यादा छाप लेते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। जब वैल्यू कम होता है मतलब क्या होता है, 100 रुपए 100 रुपए ही रहता है, 100 रुपए से आप जितना खरीद पा रहे थे पहले आज उसके अगेंस्ट में कम खरीद पा रहे हैं। वो ये बहुत लोग कम कनेक्ट पा रहे हैं, कॉमन लोग। अगर ऐसा होता तो 10,000 में अगर आपको 10 साल पहले देता और गोल्ड भी देता आपको, आपको अगर मैं वॉल्ट में रखने के लिए बोलता तो 10 साल के बाद आप नोट को लोगे या गोल्ड को लोगे? गोल्ड क्यों लोगे? क्योंकि रियल रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा नोट में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यस, तो 10 साल में तो आपका 100 रुपए का नोट 100 रुपए ही रहेगा। ये 100 रुपए का 100 रुपए आता है और 10 किलो का चावल 2 किलो ही आता है, बट ये कितने लोग समझते हैं? प्रॉब्लम वहां पे आया, और ये जब प्रॉब्लम्स कॉमन लोगों को समझ में आया और वो लोग सोचे कि, और ये भी इतना भी नहीं है,
ये जो रिसेशन का मामला है ना, ये लास्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में कई 25 या 30 बार रिसेशन हुआ है। मतलब ये प्रॉब्लम हर पीढ़ी 4 बार 5 बार देखता है। हम अगर एवरेज 70 साल जीते हैं तो 4 बार रिसेशन देखना मुमकिन है, बट हम समझते नहीं थे पहले, इतना एजुकेटेड हम नहीं थे, इकोनॉमिक्स हम पहले समझते नहीं थे जितना ये जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन समझते। पहले के जनरेशन में बहुत सिंपल फंडा था कि काम करो और मरते टाइम एक घर बनाओ, फैमिली को सिक्योर बनाओ, चले जाओ। अभी ये उल्टा हो गया है, पहले लोन लो, घर बनाओ, लोन भरते भरते फिर चले जाओ। ये पूरा गेम चेंज हो गया। और ये जो लोन लेने की आदत हमें लगी, ये कहां से आया? ये जो सप्लाई ऑफ मनी और प्रिंटिंग ऑफ मनी से आया। उस हिसाब से फिएट मनी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि छापना तो अच्छा है, आप इन्फ्लेशन लाते हो, लोगों को ज्यादा आमदनी होती है, प्रॉफिट होती है, चीजों के दाम बढ़ते हैं, बट वो उसका एक लिमिट होता है, उसको ज्यादा अगर आप करोगे तो ये प्रॉब्लम आता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। फिर फिएट आया, फिएट के बाद क्या हुआ? आपका डेबिट कार्ड आया। मतलब ह्यूमन बीइंग इज नेवर सेटिस्फाइड, वो बोलता है भाई इससे अच्छा क्या है, मैं पैसे लेके क्यों घूमू, बंडल बंडल नोट बैग में लेके क्यों जाऊं बैंक में डिपॉजिट करने, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ अच्छा दो। तो डेबिट कार्ड आया, तो आप अभी क्या हुआ, कहीं पे जाके खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, सब कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग में हुआ, वो एक 5-7 साल चला। फिर सडनली क्या हुआ, हम देखे कि पेटीएम आया, तो पेटीएम, फोन पे, ये जो सब वॉलेट्स आए, ये लोग क्या किया, आपके पास बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, आप एक काम करो, वो अकाउंट से ये अकाउंट को ट्रांसफर करो, फिर आपको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे आप खरीदारी बेचना जो भी करना है आप करो सीमलेस, आपको पैसे की यूज ही करना नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी आके इंट्रोड्यूस किया, फिनटेक कंपनी, गवर्नमेंट चुप बैठा था, बट बाद में गवर्नमेंट सोची कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है, व्हाई नॉट वी डू इट। तो एनपीसी आया, यूपीआई आया, यूपीआई अभी क्या कर दिया, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर को कनेक्ट कर दिया और बाकी सब कुछ जरूरत नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर आपके अकाउंट नंबर कनेक्ट हो गया तो हम एक ही बटन में कितना भी अमाउंट चाहो आप कनेक्ट कर सकते, ट्रांजेक्ट कर सकते। सी द सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट लेयर है, ये विदाउट ए गवर्नमेंट, विदाउट ए इंटरवेंशन पहले था, और अब विद ए इंटरवेंशन वी आर सेटल, ये ट्रांजिशन हुआ है और एफिशिएंट हो गया, पैसे का फॉर्म और मनी का फॉर्म ऐसे बदला है। बट बिटकॉइन आने का रीजन क्या है, इसमें क्यों बिटकॉइन आया था? ये तो सब सही चल रहा है, यूपीआई तो अच्छा कर रहा है, मैं तो आपको अगर कुछ देना हो पैसा तो फटा से एक क्लिक करूं तो हो जाता है, बिटकॉइन क्यों आया था? उससे पहले और एक मैं बात बोल दूं, मैं जैसे बताया आपको दी रिसेशन जो हुआ है ये सब सालों में हुआ है, 1797, 1837, 1800, एवरी 5-10 ईयर्स इतना रिसेशन हुआ है, किसको मालूम है? हम तो लास्ट 30-40 साल जितने भी ये जिंदा है हम उसी को ट्रैक करते हैं, हमको सिर्फ पता है कि 2000 में क्रैश हुआ है, 2008 में क्रैश हुआ है, उससे पहले भी होता है, बट हम सुधरते नहीं, हम बदलते नहीं हैं, हम प्रिंट करते जा रहे हैं, पैसे का वैल्यू डिप्लीट करते जा रहे हैं और उसके बारे में सोच नहीं रहे। बिटकॉइन आके क्या बोला कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते? फर्स्ट बिटकॉइन बोले कि इसका सप्लाई लिमिट कर देता है, ठीक है, जो भी सोचा है इसका, इसको तो जो डेवलप किया है उसका नाम कुछ नहीं, उसका नाम सतोशी नाकामोटो है, बट वो सामने नहीं आता है, वो एक बंदा है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है या एक लेडी है, मेल है, गे है, कुछ मालूम नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, ये सारी रिसेशन को सोच के इन्होंने किया है, इसको कैसे बनकर हो सकता है, ये कोशिश था, ठीक है, ये फेल भी हो सकता था, और ये कोशिश में उन्होंने क्या किया कि पैसे को अगर मैं फिर से एंशियंट एज में लेके जाऊं जो पहले था, सेल्स, फेदर्स, पर्ल स्टोन्स के जमाने में, बट विथ टेक्नोलॉजी इन प्लेस, तो एडवांसमेंट भी सोचो और पहले जो अच्छा था उसको पकड़ो और ये दोनों को मिला,
क्या ये दोनों को मिला के हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं? ये जो सतोशी नाकामोटो जो बंदा है या ग्रुप है जो भी है, उसने वही सोचा कि एक बनाता हूं और वो गीक है, उसको पता है कोडिंग क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये एक सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी है जो आर्मी में जब इंफॉर्मेशन पास किया जाता है, वॉर में जब इंफॉर्मेशन पास किया जाता है फ्रॉम द लोकल ऑफिस टू द वॉर लोकेशन, ये क्रिप्टोग्राफिकली जाता है, ताकि अगर ऑर्डर गया है कि शूट करो या फायर करो, वो ऑर्डर वही बंदा पढ़े, बाकी और ना कोई ना पढ़े, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो देश की ये प्रॉब्लम हो जाएगी वॉर में। तो वॉर में ये यूज होता है। आर्मी लोगों को आप जाके पूछोगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में, जो बिटकॉइन में यूज होता है, वो आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हैक करने की चांस ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई आके उसको छू नहीं सकता, इतना सिक्योर्ड है। नंबर के हिसाब से आपको बताऊं तो 2 to the power 130 टाइम्स अगर आप अटेम्प्ट करो पासवर्ड उसका हैक करने के लिए, 2 बार उसको आप कर सकते हो बाई चांस। जब भी टाइम मिले आपको कैलकुलेटर में टाइप करके देखना 2 to the power 130, उतना टाइम आपको अटेम्प्ट करना है। ये कैलकुलेटर में नंबर नहीं है, इतना बड़ा है, तो इतना सिक्योर्ड है। तो ये बंदा क्या किया, उसको सिक्योर बनाया और ये बोला कि 21 मिलियन ही है पैसा, एक एक बिटकॉइन है जिसका वैल्यू कुछ नहीं था पहले, वो 21 मिलियन ही मार्केट में आएगा कभी भी, और पहले जितना आया हर 4 साल में उसका आधा आएगा। यहां पे एक इकोनॉमी हम देख रहे हैं जहां पे कुछ पेंडेमिक हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो पैसा नया छापते हैं, ठीक है, और हर 10 साल में एक रिसेशन आता है। यहां पे ये एक सिस्टम आया जो हर 4 साल में हाफ होता है उसका सप्लाई, और इसका डिमांड बढ़ता है, हर कोई चाहता है कि ये कम मिलने वाला है बाद में, और ये बार्टर सिस्टम है, कोई गवर्नमेंट क्या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कैश, गवर्नमेंट बोलता है कि 20,000 तक आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करो, मैं आपको सवाल नहीं पूछूंगा। मैं अगर आपको मिथुन भाई को दूंगा 20,000, तो आप वो 20,000 ले लेंगे, कहीं पे कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, कहीं पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है। वो अगर मुझे 20,000 दिए तो मुझे भी कहीं पे कुछ भरने की जरूरत, वो एक प्राइवेसी होता है और हम खुशी खुशी करते हैं, कोई झमेला नहीं है उसमें। और आप देखिए कैश कितना फास्ट घूमता है, जब आप इंटरवीन नहीं करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है उसकी, और जब आप अंदर घुसते हो उसको बोलते हो कि नहीं इसको बताओ वो बताओ, देन आप सोचते हो कि भाई ये अगर मैं करूंगा तो गवर्नमेंट मेरे को ये सवाल पूछेगा तो मैं नहीं करूंगा, ये सवाल पूछेगा मैं नहीं करूंगा, इसका दूसरा रास्ता क्या। और हम सब जानते हैं, मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा, हम सब जानते हैं कि वो दूसरा रास्ता क्या, और हम करते भी हैं, कुछ लोग हम करते भी हैं, क्योंकि हम हर टाइम पे हर कोई एग्री नहीं होता है कि हर चीज में हमको कुछ देना है किसी को, ये हमारा ट्रांजेक्शन है, हम कर ही लेंगे अपने हिसाब से, राइट। ये सब प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है, क्या ऑल्टरनेट है, ये जो बंदा था वो सोचा कि इसको ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, भले ही इसको पहले लोग इसको ताना देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट क्या ये बेटर सोल्यूशन हो सकता है। और इसने क्या किया, 21 मिलियन लॉन्च किया, उसमें से कुछ लिए नहीं रिलीज किया, और बोला कि हर 4 साल में इसको हाफ हाफ करके रिलीज करेंगे, और एनी बड़ी कोई भी इसको यूज कर सकता है, मतलब इसका मीनिंग भी बहुत बड़ी है। जब फेदर और सेल था, 8 साल का बच्चा भी फेदर लेके जाता था जंगल में, किसी और को देता था, कुछ सामान उसको मिल जाता था। आज 8 साल का लड़का अकाउंट खोलने जाएगा बैंक पे, तो उसको पूछा जाएगा कि तू 18 साल का नहीं है, उसको पूछा जाएगा कि पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तू पैसे के साथ डील नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना पॉकेट मनी ही यूज करता है टिल 18, जबकि उसको पूरी मालूम होती है कि पिताजी ने मुझे 100 रुपया दिया है पॉकेट मनी, मैं क्या क्या चीज खरीद सकता हूँ, कैसे इसको यूज कर सकता हूँ। ह्यूमन बींग के माइंड में पैसे के बारे में बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाता है, 7 या 8 साल में आ जाता है, या 10 साल में आ जाता है, राइट। ये जो 8 साल से 18 साल के जो लोग है, ये कितना गैप पता है आपको, 8 साल 8 बिलियन लोग अगर दुनिया में है तो 2.5 बिलियन ये कैटेगरी में आता है, जहां पे आप मना करते हो, एक तो एज में है, दूसरी जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है, उसको आप अलाउ नहीं करते हो फाइनेंस में अंदर आने के लिए, ये बहुत गैप है।
होता है और वहां पे आप रिसेशन करते हो, वहां पे ज्यादा पैसा भी छापते हो, इधर लोगों को ऐड नहीं करते हो पैसा यूज करने को। ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको जिसको हर कॉमन मैन समझती नहीं और समझाने के लिए कोई है भी नहीं, क्योंकि कोई बोलता भी नहीं इसके बारे में। हमको स्कूल में ये सब पढ़ाया नहीं गया, हमको सिर्फ स्कूल में कुछ दूसरी चीज पढ़ाया गया है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन आया। बिटकॉइन बोल रहा है इन्फ्लेशनरी मनी नहीं है, ये डिफ्लेशनरी मनी है। पैसे की मोल समझो आप, इसको जितना देर तक अपने पास रखोगे, टिका के रखोगे, इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका डिमांड बढ़ेगा। ये डिमांड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप किसी को पैसा देना चाहते हो, आप उसको दे सकते हो, वो किसी से लेना लेना चाहते हो ले सकते हो, बीच में कोई है ही। उसने सिंप्लीफाई कर दिया, इसीलिए लोग इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं और यूज कर रहे हैं। आप अभी भी बोल सकते हो कि हम कैसे गवर्नमेंट को काट के और बिना बताए हम ये क्यों करें, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होगा, वो होगा, बहुत सारे सवाल अभी भी है उसके बारे में और वो रहेगा, क्योंकि अब अभी जब सिस्टम में हम काम करते हैं तभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता भी है, बैंक से ही और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, हवाला भी चलता है, राइट। सिस्टम हर कोई, जब एक सिस्टम चलता है ऐसा नहीं कि दूसरा सिस्टम नहीं चलता, वो सब चलती है। बट ये जो सोल्यूशन आ रहे हैं इस, ये कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे और वो एडवांटेज को लेके हमको इसको दिल से लगा के यूज करना है या इसके बारे में सवाल करके करते करते ही जाना है और इसको यूज नहीं करना। और इसका एडवांटेज अगर देखोगे आप तो ये सब चीजों को ये अवॉइड करता है, इसमें रिसेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अगर 1,000 बिटकॉइन 10 साल पहले था, आज तो आप करोड़पति बन गए, मिलियनर बन गए। जिसके पास है भी नहीं वो अब अगर थोड़ा बहुत रखता है, उसका कुछ दिन साल कुछ दिन महीना साल के बाद उसका वो भी बढ़ता है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, 10 साल ये आके स्टोर ऑफ वैल्यू जो हम गोल्ड को समझते हैं, सिंस बिगिनिंग हम गोल्ड को कभी पैसा नहीं समझे, इसके वैल्यू है उसको हम क्या समझते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू और सिक्योरिटी समझते हैं कि हमारे घर में हर घर में कुछ ना कुछ गोल्ड सेव करने की एक आदत है, एक परंपरा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड दुनिया में कम है, जितना मैं रखूं इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो बिटकॉइन मनी के हिसाब से आया है बट मनी के हिसाब से यूज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है इट इज नॉट ए लीगल टेंडर, और हम गवर्नमेंट को पूछते हैं कि मैं यूज करूं या ना करूं, बट सवाल यह है कि आप पूछना चाहते हो, क्योंकि बिटकॉइन तो बोलता नहीं है कि आप किसी को पूछ के यूज करो, बट हम पूछते हैं क्योंकि वी आर गुड पीपल, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट गवर्नमेंट क्या आके आपको बताएगा कि आप यूज करो? वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका वो सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। अगर इसको पैसा वो लोग बोल देंगे तो वो सब पैसा इधर आ जाएगा और वो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के पास अभी उतना एक्सपर्ट और टाइम नहीं है, और फिलहाल नहीं है, वो आएगा। वो समझने के लिए और वो सिस्टम को किस तरीके से बदले ताकि ये उस सिस्टम में फिट बैठ सके। अगर आप सोच रहे हैं कि वो पूरा बंद हो जाएगा, बिटकॉइन विल बिकम ए करेंसी, मेरे को नहीं लगा, वो बहुत डिफिकल्ट है। जब सेल्स था फेदर आया, फेदर आके 300 साल 200 साल इससे चला, फिर सेल्स गया, फिर फेदर आया, फेदर से और एक चीज आया, वो दोनों साइड में साइड चले, फिर ये बंद हुआ। ऐसा होगा और वो मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि 10 साल में होगा, 5 साल में होगा या 500 साल में, हम भी वो ना दे सके कि बिटकॉइन पूरा करेंसी हो जाए। इसलिए दिमाग में अगर आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन इज गोइंग टू रिमूव फिएट करेंसी इमीडिएटली, वो गलत है, अभी फिलहाल गलत है, भविष्य में हो सकता है, वो हम अभी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट बिटकॉइन और क्या हमको दिया है? एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर मैं 10,000 या 10 लाख या 1 लाख 10 साल पहले पैसा रखा था और बिटकॉइन रखा था और गोल्ड रखा था, तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे एज ए ROI, बिटकॉइन हैज गिवन दैट इट हैज एस्टेब्लिश्ड नाउ कि 10 साल में ना ये हैक हुआ है, ना ये किसी से डरा है, ना कोई गवर्नमेंट इसको रोक सका है, ना क्या हो सका, कुछ नहीं हुआ। जो सिस्टम इसके अंदर फिट बैठा हुआ है वो चल रहा है और कोई इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। और जब किसी को आप तोड़ नहीं सकते हो, पहले लोग उसको तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, फिर बोलेंगे ये टूट नहीं रहा है, मैं इसको यूज करता हूं,
फिर इसको यूज करते हैं, फिर उसके यूज करने के बाद वो समझते हैं कि ये अच्छी चीज, फिर जाके बोलते हैं कि भाई तू भी यूज कर ये अच्छी चीज। ये ऐसा फेज में हम है, ठीक है। तो मनी अगर आप देखोगे, दिस इज द होल सेट ऑफ जर्नी। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। रेज हैंड भी होगा, स्पीक टू और यू कैन टाइप। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ये डिस्कशन से, कि यूएस ने 2-3 साल में $4 trillion की करेंसी प्रिंट की। दैट इज मोर देन व्हाट इंडियाज टोटल जीडीपी। अभी हमने रिसेंटली ये वीक में 3 trillion अचीव किया है जीडीपी, और हमें मोर देन 6 decades लगा इंडियन इकोनॉमी को 3 trillion बनने में। एंड यूएस इज प्रिंटिंग मोर करेंसी देन व्हाट आर इंडिया जीडीपी, जस्ट फॉर इनसाइट। तो सर, सो सिर्फ बिटकॉइन ही है, सो इज इट अ करेंसी और एन असेट? और आई थिंक बिटकॉइन इज अ जनरल वर्ड राइट नाउ टू एड्रेस क्रिप्टो, क्योंकि काफी सारे दूसरे करेंसी टोकन आ रहे हैं। बीच में डॉज बहुत फेमस था, आज भी है, एलन मस्क को जाके बोल देता है। तो आई वुड सेट इट इन टू पार्ट, कि ये असेट है या करेंसी है? अगर करेंसी है तो इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है? ठीक है, मैं अभी बताया जस्ट नाउ कि आपको बताया कि ये करेंसी को दिमाग में रख के, पैसे को दिमाग में रख के, हिस्टोरिकल मनी जो मैं बताया आपको कि फेदर, सेल, जो भी है, कॉइन्स, गोल्ड, ये सबको नजर में रख के इसको बनाया गया था, और टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। तो उस हिसाब से ये करेंसी बनती है। बट जब करेंसी हम बोलते हैं तो इसको करेंसी के हिसाब से यूज करना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं। कुछ लोग यूज कर रहे हैं अभी अभी। मैं आपको, मिथुन को अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक पॉइंट टू बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन मिथुन ले लेंगे, क्योंकि मिथुन समझते हैं इसको, वो ले लेंगे और मुझे पैसे भी दे देंगे, ठीक है। तो वो करेंसी की तरह से काम करेगा। बट मेरे से मिथुन लिए बोल के दूसरे आदमी लेंगे बोल के गारंटी नहीं है, राइट। तो उस हिसाब से ये करेंसी वाला जो मामला है ये फिट नहीं बैठता अभी। मेरे हिसाब से करेंसी तब बनती है जब हर कोई आराम से इसको एक्सेप्ट करना शुरू करे, हर चीज में, हर सर्विसेज या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब एक्सचेंज होता है तब। बट तो फिर ये क्या चीज है? हम क्रिप्टो करेंसी के नाम पे तो इसको लॉन्च किया गया था, बट ये चीज क्या है? जैसे मैंने बताया, अगर हम इसको एसेट के तरीके से देखेंगे, लाइक स्टोर ऑफ वैल्यू, और कंपेयर करें कि 10,000 का बंडल नोट, 10,000 रुपए की गोल्ड, ए पीस ऑफ गोल्ड, एंड 10,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन, अगर हम 2009 में एक वॉल्ट के अंदर लॉक करके रखते और आज उसको निकालेंगे, तो मैंने जब सवाल पूछा तो मिथुन भाई बोले कि मैं गोल्ड ले लूंगा, राइट, बिटकॉइन मैंने नहीं रखा था। बट अगर मैं बिटकॉइन को रख के पूछूंगा तो मिथुन भाई क्या लेंगे आप? I would like to go with a Bitcoin, right? Like gold or Bitcoin, दोनों रखेंगे, why not only one? हाँ, तो ज्यादा रिटर्न किसने दिया है? Bitcoin ने दिया है, करेक्ट। तो सवाल ये है, अगर ये ज्यादा रिटर्न दिया है तो मैं गोल्ड को क्यों रखू, बिटकॉइन को क्यों ना रखू? सवाल ये आता है कि मैं पूरा रखू, या जैसे मिथुन भाई रिस्पॉन्ड किए कि मैं दोनों रखता हूँ, मेरे पास एक्चुअली गोल्ड रखना चाहिए था 100%, मैं काम करता हूँ 40% बिटकॉइन रखूंगा, 60% गोल्ड रखूंगा। या मिथुन भाई थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है और एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उनको हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए, तो क्या करेंगे? नहीं, मैं 80% बिटकॉइन रखूंगा, 20% गोल्ड रखूंगा, पैसा नहीं रखूंगा। तो ये क्या बता रहा है आपको कि यील्ड ऑन मनी, सी मनी क्या होता है, मनी को जब तक आप यूज पे नहीं डालते हो वो यील्ड नहीं देता। आप रियल एस्टेट पे डालते हो, घर पे अगर पैसा रखोगे तो ये कहानी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो घर पे पैसे रखे थे साल लास्ट 10-20 साल, सिर्फ पैसे रखे थे, इनकी हालत, उनकी हालत ऐसी हुई। यूएस डॉलर, यूरो, येन, स्टर्लिंग, सबकी वैल्यू, जो परचेजिंग पावर, वो कम होती गई 1900 साल से 2010 तक की ये डेटा है, और ये हाइपर इन्फ्लेशन है। हर साल 9-10% इन्फ्लेशन बढ़ाते गए हैं, तो हमारे 100 रुपए में जो खरीदना चाहते थे हम, उससे कम खरीद रहे हैं हर साल, और वो जीरो होता जा रहा है।
और जब जीरो होता जा रहा है तो आपके पास सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती जाती है, तो आपको पता नहीं चलता। आप लोन लेते हो बैंक से और बैंक का पूरा ईएमआई 5 साल का भरे नहीं हो आप पर्सनल लोन, 3 साल में बैंक आके बोलता है आप रिन्यू कर दो, मैं आपको और 2 लाख एक्स्ट्रा देता हूँ, तो आप लोन से बाहर कभी नहीं आओगे और पैसे के मोल नहीं समझोगे, ईएमआई में घुसे हो आप। ये सिस्टम, और ये सिस्टम हम हर कोई उस सिस्टम में घुसा हुआ है, कोई समझ नहीं पा रहा। हम उसी पैसे को लेके सोचते हैं कि मेरे पास 20 लाख है, मैं मेरे बेटी का शादी करवा दूं और मैं सिक्योर्ड हूं, बट वो हम कभी कंपेयर नहीं करते हैं कि वो 20 लाख में जो मेरे बेटी की शादी के लिए रखा है, आज अगर वो शादी में करूं ये कितने लोगों को खिला सकता हूँ, कितना गोल्ड खरीद सकता हूँ, अगर 20 साल बाद में वो 20 लाख को यूज करूं तो उससे कितना कम मैं खरीदूंगा और कितना कम मुझे मिलेगा, वो बहुत कम लोग समझते हैं। बट उसके अगेंस्ट में अगर आप गोल्ड या बिटकॉइन को रखते हैं उससे ज्यादा देगा, तो आप उसमें चॉइस आपकी है, रिस्क मिटिगेशन और एपिटाइट आपकी। अगेन मेरा डिस्क्लेमर ये है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सजेशन या सलाह नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, मेरा ये डिस्क्लेमर है, बट ये थोड़ी सोचने की बात है कि हम किस तरीके से अपने प्रोफाइल को मैनेज करें ताकि फ्यूचर में हम आज से बेहतर रिटर्न और कुछ फायदा हमको मिले, दैट्स ऑल। और डेटा पॉइंट हमारे पास है। ओके, वी हैव वन क्वेश्चन कि आने वाले टाइम में आप बिटकॉइन, अभी हम आई थिंक बिटकॉइन इज अ जनरल वर्ड, बिटकॉइन यानी सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे, क्रिप्टो असेट की बात कर रहे या क्रिप्टो टोकन्स की बात कर रहे, तो लेट्स बट आने वाले टाइम में आप बिटकॉइन को ऐसे असेट क्लास देखोगे या ऐसे लीगल टेंडर देखोगे? इट इज आस्क्ड बाय किलोल। मैं अभी बताया ना कि अभी तो फिलहाल वो लॉन्च हुआ था लीगल टेंडर के हिसाब से, बट पहले उसका स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट के हिसाब से यूज हो रहा है अभी फिलहाल, करेंसी के हिसाब से या लीगल टेंडर के हिसाब से बहुत कम यूज हो रहे हैं। बट मेरे हिसाब से जो प्रिडिक्शन है, ओके, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन स्थिति है, जैसे दो कंट्री की मैं एग्जाम्पल लूंगा, अर्जेंटीना एंड वेनेजुएला। वेनेजुएला में अगर आप अभी जाओगे एक बियर बॉटल खरीदोगे, बियर बॉटल आप 15 मिनट में पी के खत्म कर दोगे, सपोज आपने 100 रुपए में वो बॉटल खरीदा, वो बियर बॉटल खत्म होते ही दूसरे बियर बॉटल जब आप खरीदोगे वो 500 रुपए हो जाए। हम अभी बात किए कि साल में 9% चीजों के दरों दाम बढ़ते हैं, वहां पे 15 मिनट में 100% बढ़ता है। उनके लिए बिटकॉइन से बेहतर करेंसी कोई है ही नहीं, बट हमारे लिए बिटकॉइन को समझने के लिए हम बोलते हैं कि ये बहुत हाईली वोलेटाइल है, बट हम हमारे करेंसी में जितना वोलेटाइल है ना हम समझते नहीं है कि ये 10 साल में तो जीरो हो जाता है, 9% इन्फ्लेशन में ये तो जीरो हो जाता है, बट वो वोलेटाइल को हम कभी फैक्टर ही नहीं किए। फिर भी हम आज समझते हैं कि मेरा लड़का जॉब करे, ग्रेजुएशन हो गया, IIT पढ़ लिया, 1 ईयर कर लिया, जॉब करे तो सैलरी लेके आए और सैलरी में भी साल में 3% 4% हाइक मिले तो हम खुश हो जाते हैं, बट एक्चुअली वो पैसे का 9% डिक्लाइन होता है इन्फ्लेशन की वजह से। हम ये हिसाब जाके कोई कंपनी में पूछ नहीं पाते हैं कि भाई तू मिनिमम 9% की गारंटी सैलरी हाइक देगा क्या मेरे लड़के, तब मेरा लड़का वहां पे काम करेगा। हम ये सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि हम समझते ही नहीं है इसको, हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसे पड़े। उसको टैकल करने के लिए आपको अगर कुछ चर्न करना है आपको पोर्टफोलियो, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट डिस्क्लेमर कि आज का जो सेशन है हमने इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, इसलिए ना कोई क्लासरूम स्टडी है, भले हम प्रोफेसर बोल रहे हैं प्रोफेसर देवी, बट दिस नॉट अ क्लासरूम। यहाँ पे हम जो चाहे वो क्वेश्चंस रखेंगे, तो हर उससे क्या होगा कि नए नए क्वेश्चंस आएंगे जो करंट सिचुएशन में जो क्वेश्चंस है दैट कैन बी आंसर्ड एंड वी कैन हैव मोर क्लैरिटी। तो द स्टेज इज ओपन, आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ सकते हैं। मिस्टर जय लीलावाला हैज वन क्वेश्चन कि हम क्रिप्टो कहाँ से खरीदें, उसका क्या प्रोसेस है और क्या उसके लिए डीमैट या ऐसी कुछ जैसे शेयर खरीदने के लिए डीमैट चाहिए या इंटरमीडिएट चाहिए, ऐसा कुछ है या कुछ KYC चाहिए,
कैसे है, लाइक अगर क्रिप्टो खरीदना है तो हम कैसे खरीदे? ओके, इसमें भी मैं थोड़ा पीछे लूंगा आपको। बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ तो बिटकॉइन कभी भी किसी को नहीं बोला कि आपको जाके कहीं पे बैंक अकाउंट खोलना है या कहीं पे कुछ अकाउंट ओपनिंग खोलना है। एक वॉलेट इंटरनेट पे मिलता है, आप डाउनलोड करो उसको। जब आप कुछ काम करोगे, मैं सपोज राजेश भाई से कुछ काम करवाऊंगा, ठीक है, और उन्होंने वो काम अच्छी तरीके से किया मेरे लिए, तो मैं आप उनको पूछूंगा कि आप इसका चार्ज क्या करोगे, तो बोले कि मैं इसका 1,000 रुपये। मैं बोले कि मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, मेरे पास बिटकॉइन, आप वॉलेट डाउनलोड करो इंटरनेट से, मैं आपको बिटकॉइन देता हूँ। तो बिटकॉइन आया कहाँ से? पहले पहले फ्री बटा गया, जैसे डिस्काउंट में हम मॉल पे जाते हैं कुछ चीजों का प्रोडक्ट डिस्काउंट में देते हैं, फ्री में देते हैं, वैसे सबको मिला। तो मैं मेरे पास रखा था और मैं राजेश भाई से बोला कि राजेश भाई मेरे पास 500 बिटकॉइन पड़े हैं, मेरे को लगता है ये एक एक का 5 रुपया है, मैं उसके हिसाब से आपको 1,000 रुपये के लिए जो भी बनता है उतना बिटकॉइन मैं आपको देता हूँ, आप लोगे? राजेश भाई ने कहीं से तो पढ़ा था इसके बारे में, तो बोले कि ठीक है आप इस बार मेरे को बिटकॉइन से दे दो पैसे। तो ये कैसे हुआ? बिटकॉइन देवी प्रसाद से राजेश भाई को चला गया एक वॉलेट के थ्रू से, कहीं पे कुछ खोलना नहीं पड़ा, इंटरनेट से वो उन्होंने वॉलेट डाउनलोड किया था, मैंने भी डाउनलोड किया था, मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया। बट अब क्या सिचुएशन आया है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैं फिएट में बैठा हूं, मेरे पास INR है, उससे मैं बिटकॉइन कैसे जाऊं? तो आपके पास दो रास्ते, आप कुछ काम करते हो किसी के लिए, आप पेमेंट के हिसाब से बिटकॉइन ले सकते हो, जिससे कहीं कहीं पे भी आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। अगर आप पेमेंट लेते जैसे राजेश भाई ने लिया मेरे से एग्जाम्पल में, बट अगर आपको एक्सचेंज करनी है INR देके या USD देके आपको बिटकॉइन लेनी है, तब आपको कोई एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, जब आप एक्सचेंज करना चाहते हो कुछ एक करेंसी देके, तब आपको एक प्लेटफॉर्म पे जाना ही पड़ेगा। तो तब क्या होता है, ये जो एक्सचेंजेस है, WazirX है, CoinDCX है, BitBNS है, पहले ZEP था, CoinX था, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस इंडिया में आए हैं, गए हैं और हैं भी, ठीक है। अभी करेंटली WazirX है, BitBNS है, CoinDCX, CoinDCX seems to be better, WazirX का भी अच्छा है, बट अभी जो लास्ट 2 हफ्ते पहले कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आया था, उनका विड्रॉल्स डिपॉजिट में थोड़ा ये आया, तो वो थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने हिसाब से, बट मेरे हिसाब से ये तीनों एक्टिव है इंडिया में। उसके लिए आपको अपनी पैन कार्ड आधार कार्ड देनी पड़ेगी, KYC फॉर्मेलिटीज को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, करने के बाद IMPS, RTGS, NEFT हर तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाएगा टू ट्रांसफर योर INR टू दैट एक्सचेंज अकाउंट। जब आप अपने बैंक अकाउंट से वहां पे ट्रांसफर करेंगे, अभी तो MobiKwik भी टाइप हो गया है क्योंकि बैंक रिसेंटली मना किया है कुछ एक्सचेंजेस में, तो वो सपोर्ट बंद किए हैं, तो आपको MobiKwik के थ्रू से आप जा सकते हो। MobiKwik जैसे पेटीएम के जैसे वॉलेट है, आप पैसा ट्रांसफर करके वहां पे बहुत सारे जो कॉइन्स और टोकन्स लिस्ट हैं उससे आप खरीद सकते हो, और वहां पे आपको बिटकॉइन ही नहीं मिलेगा, 100, 200, 400 कॉइन मिलेंगे जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, और उसके बारे में पढ़ने और रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। बट अगर बिटकॉइन की बात आती है तो ये प्रोसेस से आप अपना पैसा ट्रांसफर करके आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। सर, और एक क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द लीगलिटी इन इंडिया इन रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, के यू नो काफी है कि अभी जब हम इनवाइट्स भेज रहे थे तो काफी लोगों ने ये सवाल पूछा कि अरे ये तो बैन है इंडिया में, राइट? सो कैन यू थ्रो सम लीगलिटी पार्ट? श्योर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर वो सॉवरिन को चैलेंज कर रहा है, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है देयर प्रिंटिंग कैपेसिटी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसको कंट्रोल करने की या रिस्ट्रिक्ट करने की, या देयर विल बी मेनी वेज वेयर गवर्नमेंट कैन यू नो, राइट? So if you can throw some, उसमें कुछ आप ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप इंटरनेट यूज करना नहीं चाहते या गवर्नमेंट बोल रही है आपको कि इंटरनेट बंद किया जा रहा है, आप इंटरनेट यूज नहीं कर पा, ये दो चीज। इंटरनेट एक ओपन सोर्स है, आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि मैं इंटरनेट यूज नहीं करूंगा,
एक वो स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट आपको आके बोल रही है कि इंटरनेट गलत चीज है, इंटरनेट पे बहुत खराब चीजें हो रही है, इंटरनेट आपके लिए अच्छी नहीं है, इंटरनेट आपके बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, इंटरनेट के थ्रू टेररिज्म हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू स्कैम्स हो सकते हैं, आप इंटरनेट यूज करना अच्छा नहीं है और मत कर, चॉइस आपकी। जब गवर्नमेंट बोलती है कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, क्या गवर्नमेंट इंटरनेट को बैन कर सकती है? हाँ ना, इन अ वे नो, इन अ वे यस। इन अ वे यस कब? जब वो इंटरनेट सप्लाई ही बंद कर दे इंडिया में, बट वो मुमकिन नहीं है आज, राइट? और ये जो पैसा है, ये जो बिटकॉइन है या जो क्रिप्टो करेंसी है, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग इज ऑन विद द पासवर्ड, क्योंकि इंटरमीडियरी इसको मैनेज नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया कि सेल्स फेदर के टाइम पे आप अपने जो जमा पूंजी सेल्स और फेदर्स में थे, आपके पास गोल्ड कॉइन्स थे, वो आप एक घर के अंदर पोटली में बांध के रखते थे और पोटली एक अलमीरे के अंदर चाबी डाल के आप रखते थे, वो आपका प्राइवेट की था। आज बिटकॉइन वही फॉर्मेट लेके आया है, बोल रहा है आपके पास एक प्राइवेट की है, अगर वो प्राइवेट की आपको याद है तो कोई बैंक में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपके पास है। और ये जो प्राइवेट की है वो इंटरनेट पे चलता है, तो इंटरनेट रहना जरूरी है और ये प्राइवेट की रहना जरूरी है, ये दोनों अगर है तो आपका पैसा आपके पास है। तो गवर्नमेंट अगर आपको बोलता है कि ये अच्छी नहीं है, ये बुरी नहीं है, इससे कल तो एक बहुत फनी सा वीडियो देखा मैं ट्विटर में आया था, कोई एक सीनियर इकोनॉमिस्ट कोई बोल रहा था कि द मोमेंट यू यूज बिटकॉइन यू विल डाई। ओके, तो ऐसे भी अवेयरनेस है लोगों का, और ये बहुत इकोनॉमिस्ट हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स आर टेलिंग ऑन टेलीविजन, द मोमेंट यू ट्राई टू यूज बिटकॉइन यू विल डाई। यू नो, ये कनेक्शन ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करता, और वो सब व्हाइट कॉलर लोग हैं, वो आके टीवी में ये बोलता है, तो लोगों को क्या समझ आया? तो इसको थोड़ा आप अगर पढ़ेंगे और समझेंगे, तो गवर्नमेंट जब बैन करती है कोई चीज को, उसको पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है। पैसे को अगर आप आरबीआई के क्या बोलते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पेपर है, राइट, अंबेडकर जी लिखे हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप रेफर कर सकते हैं, वैसे आरबीआई के पॉलिसीज वहां पे अगर आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मनी को डिफाइन किया गया कि पैसा क्या है, ओके? और आरबीआई के हिसाब से पैसा क्या है। जब आप एक चीज को डिफाइन करते हो, उसको आप रेगुलेट कर सकते हो। अगर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, अगर उसका बॉर्डर ही नहीं है, जब वो इंटरनेट पे पड़ा है, मतलब क्या है, अगर आप बिटकॉइन आपके वॉलेट पे है, आज आप इंडिया में हो, कल आप यूएस पे गए या अफ्रीका गए, बिटकॉइन आप ही के पास है, तो फिर गवर्नमेंट बैन कैसे करेंगे जब बिटकॉइन लेके ही आप पेन ड्राइव में लेके अफ्रीका चले गए? तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कैसे करेंगे? ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, और इसीलिए गवर्नमेंट कुछ फॉर्मुलेट भी नहीं कर पा रहे। मेरा 100% एम्पथी है गवर्नमेंट के ऊपर, कि मुझे समझ में आता है गवर्नमेंट कितना डिफिकल्टी में है, उनके पास क्लैरिटी है ही नहीं कि इसको रेगुलेट कैसे करें, तो बैन की चांस कैसे आएगा? बैन कर ही नहीं सकते हो आप उसको। इंटरनेट को अगर बैन कर सकते हो तो इसको भी आप बैन कर सकते हो, इंटरनेट को अगर आप बैन नहीं कर सकते हो तो इसको भी आप बैन नहीं कर सकते, बट आप मना कर सकते हो। मैं अपने बच्चे को बोल सकता हूं कि वो कीचड़ में मत कूद, बट मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा अगर वो कूदना चाहे। ये आपके ऊपर है, और आपके ऊपर आप कब डिसाइड कर पाओगे, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, समझोगे इसके अंदर क्या है, आप सही डिसीजन ले पाओगे। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर
उसको एज ए करेंसी यूज करना है या हमें कुछ खरीदना है तो हम कैसे खरीदे, क्योंकि उसकी प्राइस तो काफी फ्लक्चुएट हो रही है, तो हाउ कैन आई यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपको खरीदना है, आप पूरा पैसा तो यूज नहीं करते हो। जैसे आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए, सपोज आप एक वन प्लस फोन खरीदने जाते हो, तो आप तो 1,00,000 पूरा बैंक अकाउंट में जितना है पूरा यूज नहीं करते हो। आप आई प्लस वन प्लस का फोन सपोज 40,000, आपको 40,000 ही खर्चा करना है, राइट? तो बिटकॉइन से आप यूएसडी को कन्वर्ट करके यूएसडी से आप पे कर लो, या INR में कन्वर्ट करके पे कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन इसका लिमिटेड है। जब कोई भी चीज का पार्टिसिपेशन और होल्डिंग इज लेस, गोल्ड भी पहले हाई वॉलेटाइल रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि कुछ लोग ही उसको खरीदते और बेचते थे। जब गोल्ड हर घर में थोड़ा थोड़ा करके गया, यू सी द वॉलेटिलिटी ऑफ गोल्ड इंडेक्स हैज फॉलन बिकॉज द पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड, एवरीबडी स्टार्टेड होल्डिंग इट। जब हर कोई उसको रखेगा अपने वॉलेट पे, तो उसका वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा। तो वो पॉइंट को रीच होने तक ये टाइम और है, बट उससे पहले अगर आपको यूज करना भी है, एक तो वो मर्चेंट एक्सेप्ट करना है, दूसरा अगर वो मर्चेंट एक्सेप्ट करता है, आप तुरंत INR में कन्वर्ट करके उसको दे दीजिए, या यूएसडीटी में कन्वर्ट करके दे दीजिए। करेक्ट। दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, आपने जो बोला कि भाई आप टुडे आई कैन पे माय फ्रेंड इन कनाडा, या तो मैं बैंक थ्रू पे करूं, या आई कैन जस्ट सेंड हिम XRP और मैटिक और बिटकॉइन, या मैं उसको वो पेमेंट में, तो क्या एम आई वायलेटिंग एनी फेमा फेरा एक्ट? अगेन द सेम थिंग, नो, तो आपको रेगुलेट कैसे करोगे? तो मैं पहले तो इसको, आप इसको लीगल टेंडर बता नहीं रहे हो। अगर आप इसको लीगल टेंडर बता नहीं रहे हो तो फेमा कैसे आएगा? सिंपल है ना, आप डिफाइन कर दो ना, डिफाइन कर दो, रूल्स रेगुलेशन डाल दो, फिर आप जो भी डालना है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज जो भी आपको लाना है इसके ऊपर लाओ। द प्रॉब्लम इज इसमें एंट्री एग्जिट बहुत एफिशिएंट और फास्ट। आप INR से बिटकॉइन पे जाओगे, बिटकॉइन से INR आ जाओगे वापस, तो फेमा कैसे इसको पकड़ेगा? तो फेमा वाले भी बैठ के सोच रहे हैं अभी कि इसको कैसे करें। इसीलिए आपको ये न्यूज आता सुनाई, आप सुन रहे होंगे कि CBDC आ रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ रहा है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्यों वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं लाने के लिए? ताकि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे जाओगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन पे रहेगा, और वहां से बिटकॉइन पे जाओगे, बिटकॉइन से वहां से जाओगे, तो वो ट्रैक कर लेंगे आपको। बेसिकली गवर्नमेंट इज ऑलवेज ए लाइव सर्वेलेंस ऑन यू, आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऐसे फंक्शन करती है। तो कोई भी सिस्टम आए, गवर्नमेंट वो कैमरा लगाना चाहेगा आपके, बट कैमरा लगाने के लिए, कुछ शूट करने के लिए वो चीज दिखना चाहिए, वो दिख ही नहीं रहा। लोग INR पे आ रहे हैं और INR से वापस बिटकॉइन पे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको देख नहीं पा रहा है, और जो भी देख पा रहा है उसको ट्रैकिंग करने का मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क ही नहीं है। ये सब एक इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम है, और इंटरकनेक्टेड पैरामीटर्स ये बहुत लेवल, बड़े लेवल पे गवर्नमेंट फ्रेमवर्क इनेबलर्स रेगुलेटर्स कम टुगेदर, सिट अक्रॉस, फॉर्मुलेट अ फ्रेमवर्क एंड देन इम्प्लीमेंट, देन थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर एज ए लीगल टेंडर। So, ये बोल सकते हैं कि करंटली ये जो पूरा क्रिप्टो है इज ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज, जहां पे इवन गवर्नमेंट इज नॉट क्लियर के, सो देयर विल बी अ लॉन्ग वे टू गो एंड लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट इज इन ये इवोल्यूशन फेज में है। तो एज ए इवोल्यूशन फेज आई वुड से पीपल कैन, हां बोलिए बोलिए, सॉरी, नहीं नहीं प्लीज, नहीं मैं वही बोल रहा था कि यहां पे मैं ग्रुप में इसीलिए मैं पहले पूछा कि कुछ लोग 3 महीने हुए जानते हैं, उनको मैं गवर्नमेंट के साथ इक्विवेलेंट करूंगा, क्योंकि लास्ट 6 महीने से पहले ही वो लोग पढ़ाई शुरू की,
ये चीज क्या है ओके okay, तो टाइम लगेगा हम लोग, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ और मुझे नई चीज आ रही है ओके okay? कल भी मैंने एक नया चीज पढ़ा, हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि कैसे ये जो मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ट्रेडिशनल फाइनेंस को कैसे मर्ज किया जाएगा, वहां पे बहुत सारे नए चीज सीखने को मिला। तो गवर्नमेंट को वो लेवल तक पढ़ना है, सीखना है, जानना है, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसमें निवेश होना, इसके बारे में सीखना कोई चोरी की बात नहीं है, कोई खराबी नहीं है। इंटरनेट जब 2000 में आया था किसी को समझ में नहीं आता था, और एक एक वेबसाइट बनाने के लिए लोग 20 लाख चार्ज करते थे, आज 50,000 खर्चा करो वेबसाइट खड़ा हो जाता है, क्योंकि तब मालूम नहीं था वो चीज क्या है। आज सबको मालूम है कि वर्डप्रेस पे जाओ, एक बंदे को हायर करो $300 में, वो आपको वेबसाइट बना के दे रहे, बट 2000 में वेबसाइट बनाने के लिए आपको कितना प्रॉब्लम झेलनी पड़ती, वो डिफरेंशिएशन है। एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि वी हर्ड ऑफ अ न्यूज इन न्यूज़पेपर अबाउट पीपल ट्रेडिंग इन बिटकॉइन हैव अरेस्टेड, सो व्हाई दे हैव डन दिस, क्योंकि अरेस्ट भी हुए, हमारे सूरत में भी काफी लोग अरेस्ट हुए थे। गुड क्वेश्चन, बट वो लोग ट्रेड करने के लिए अरेस्ट नहीं हुए, वहां पे एक थोड़ा सटल लेयर है। जब मैं आपको बोलूंगा, अभी मैं मेरा लैंग्वेज अगर बदल दूंगा यहाँ पे कि मैं समझता हूँ बिटकॉइन, आप मुझे पैसा दो, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगा और मैं आपको दुगना तिगना बना के मैं आपको रिटर्न करूंगा, तब मैं अरेस्ट हो सकता। ये नॉट ओनली बिटकॉइन, इवन आपके नॉर्मल INR में भी आपको अलाउड नहीं है ये बोलने के लिए, अनलेस यू आर ए सर्टिफाइड यू नो पर्सनल फाइनेंस हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, या NBFC हो, बैंक हो, सिक्योरिटीज हो, यू आर नॉट अलाउड। ये लोगों की गलत यूसेज है उसकी, जल्दी पैसा बनाने का या लूट के लेने का। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और मेरे एक बहुत क्लोज दोस्त, मेरे IIM के कोलीग हैं, उनके साले साहब मुझे कॉल किए कि सर मुझे एक बंदे ने बोला कि आप हर महीना 30,000 भरो और नेक्स्ट ईयर आपको मैं 1.5 लाख एक महीने में दूंगा, और वो कॉइन भी मुझे दिखा रहा है इंटरनेट पर कि है मेरा 1.5 लाख का कॉइन। बोला अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप उसको बोलो कि मुझे 1.5 लाख नहीं चाहिए, अभी जो एक्रूड हुआ है 30,000 का, एक एक्रूड वैल्यू रहता है, राइट, हर दिन एक्रू होता है, उस हिसाब से उसको बोलो कि 50,000 मेरे को विड्रॉ करना है। आपने चेक किया है कि वो बंदा क्या है, उसका इंटेंट क्या है? नहीं, मैं तो वो चेक नहीं किया, मुझे कोई बोला और वो SUV में घूमता है, स्कॉर्पियो में घूमता है, जैगुआर में घूमता है, ये किसकी प्रॉब्लम है? ये बिटकॉइन की प्रॉब्लम नहीं है, लोग जो निवेश करते हैं उनका प्रॉब्लम है, और जो ये फ्रेमवर्क बनाता है उसका प्रॉब्लम। तो इससे आपको बहुत संभल के रहना, और वो मैं तो चाहता हूं कि वो लोग अरेस्ट हो, बहुत डेंजरस थी। इसका मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि वी कैन से दैट कि इफ वी कैन यूज बिटकॉइन फॉर एक्सचेंज रादर देन द इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम rendering some services and I'm saying that I will accept the payment in Bitcoin, or if somebody, some supplier or some service provider announce that ki I will accept Bitcoin, to unke liye ek USP bhi ho jayega, aur ek aur ek hisab se ye rather than going into the other sides wo dheere dheere accumulate karke ek bahut hi safe side pe ja sakta hai. Yes, very well point, very good point, that is what I said. You need to accept this as a payment first. The moment everyone starts accepting as a payment, वो automatically legal tender बन गया। और जब legal tender बन गया, तो आप कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखते हो, pocket में हर बार, हर दिन रहता है आप, वो बढ़ता ही जाता है, और तब वो store of value भी हो गया। और जब आप exchange करते हो payment के हिसाब से, जब आप interaction करते हो Bitcoin के through से, उसको बोलते हैं unit of account. Unit of account क्या है? आपने जब कुछ सर्विस दिया मुझे, तो आपने मुझे एक इनवॉइस दिया, और वो इनवॉइस पे आप
200 रुपए नहीं लिखोगे आप, आप लिखोगे 0.2 बिटकॉइन या 1 बिटकॉइन। वो लेवल तक हम नहीं गए हैं अभी, वो जिस दिन हो जाएगा। जैसे हम एक यूएस के कंपनी को कुछ सर्विस में देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिटकॉइन के में नहीं नहीं लिखता, मैं INR में भी नहीं लिखता, मैं बोलता हूँ $5,000 है मेरा बिल, आप मुझे $5,000 पे करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो 78 times बेटर देन INR, मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा, तो मैं यूनिट ऑफ अकाउंट में लिखता हूँ वहां। बिटकॉइन वो लेवल तक अभी तक गया नहीं, ये लॉन्ग वे टू गो। और वो भी होगा जैसे आपने राइटली बताया कि हमको वो पेमेंट के हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू करना चाहिए अगर हमको चाहिए। तो राइट नाउ इट विल बी मोर लाइक अ स्टोर ऑफ मनी एंड फॉर इन्वेस्टिंग एंड स्लोली स्लोली वो करेंसी पे आएगा। दैट इज व्हाट इट इज, अ कमोडिटी और एसेट, स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर धीरे धीरे ये पेमेंट के मोड से मोड में अगर तब्दील होगा तो वो लीगल टेंडर बनेगा, और द मोमेंट लीगल टेंडर बनता है तो यूनिट ऑफ अकाउंट बन जाएगा। देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन टैक्सेशन पार्ट, तो आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट आंसर कि करंटली जनरल इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन टैक्सेशन में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे आप रियल एस्टेट है या गोल्ड है या इक्विटी है जो कैपिटल गेन टैक्स में आता है, दैट इज वेयर। बट एज प्रोफेसर सेड कि देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो, सो देयर आर मेनी ग्रे एरियाज। अगर आप माइंड कर रहे हो तो उसको इनकम गिने या कैपिटल गेन गिने, वो आज टैक्सेशन पार्ट में भी थोड़ा क्लैरिटी इवन विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी डोंट हैव। आई एम करेक्ट सर, राइट? या सो देयर इज अगेन द फ्रेमवर्क इज नॉट देयर, राइट? तो वो लोग क्या सिंप्लीफिकेशन किए हैं कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसको आप नोट करके रखो, एक्सेल में रखो या कहीं पे भी रखो, फिर PDF में रखो। और अगर आप कुछ प्रॉफिट बुक किए हैं तो आपके पास दो चीज है, एक वो डॉक्यूमेंट सदा के लिए रखो अपने पास, क्योंकि अगर आप कोई एक्सचेंज पे जाते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, आपका KYC है वहां, तो वो लोग कभी भी आज नहीं तो 6 साल के बाद भी इसको पकड़ के बाहर रखते बोल सकते हैं आपको, एक चीज। दूसरी चीज ये है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हो कि जैसे हमको कुछ अदर सोर्सेज बिजनेस से हमको इनकम मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि मेरा इनकम इतना हुआ है और आई वॉन्ट टू पे टैक्स, राइट? तो वैसे कैपिटल गेन के माध्यम से आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं इतने में खरीदा था, इतने में बेचा था, और इतना मेरे को कैपिटल गेन के हिसाब से इतना प्रॉफिट हुआ है और मैं टैक्स भर देता। आप डिक्लेयर करके भर दो टैक्स, बाद में आएगा तो क्या होगा, रिवाइज रिटर्न एक भरना पड़ेगा आपको। जब पक्की फ्रेमवर्क आएगी तो गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपने 5,000 भरे थे टैक्स, शायद आपको और 500 रुपये या 700 रुपये या 900 रुपये भरना है, तो आप रिवाइज रिटर्न भर के बाकी का टैक्स भर देना। तो उससे क्या होता है, आपका हेडेक कम हो जाता है और आप कंप्लाइंट रहते हो। दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन है कि प्राइसेस क्यों अलग है, अलग अलग एक्सचेंज पे क्यों रेट्स अलग देखने को मिलते हैं? सिंपल आंसर, ये कमोडिटी है, राइट? हम अभी बात किए कि ये अभी तक करेंसी नहीं हुआ है, ये कमोडिटी है। इसीलिए जब हम आलू प्याज लेने जाते हैं तो हर दुकान में दूसरी रेट होती है, क्योंकि वहां पे सर्विस अलग रहता है। कोई आपको सेग्रीगेट करके अच्छा बड़ा वाला आलू देता है, कोई सेग्रीगेट करके आपको कुछ और सर्विस देता है, कोई AC लगाया है, कोई सेंटर ऑफ द सिटी में उसका दुकान है, राइट? उसके हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं और उनका वो मनमानी रहेगा ही, राइट? इट्स अ कमोडिटी, राइट? सो दैट प्राइस वेरिएंस विल बी देयर, बिकॉज़ वो सोचते हैं कि मैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, वजीरेक्स बोलता है मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक्स अमाउंट, तो मैं बिटकॉइन के ऊपर 4% मार्जिन लगा के बेचूंगा, राइट? Coin D6 बोलता है नहीं, मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं 2% लगा के बेचूंगा। अगर आप OTC पे जाओगे, ओवर द काउंटर पे जाओगे, जैसे मैं आप अभी बताऊं कि मिथुन भाई को मैं बोलूंगा कि मेरे को 2 BTC चाहिए, मैं कैश दूंगा आपको, दे दीजिए, तो मिथुन भाई बोलेंगे भाई तू कैश में ले रहा है तो मैं तो 5% चार्ज करूंगा तुमसे, अगर चाहिए तो ले लो, वैसा भी होता है। तो इसीलिए ये कमोडिटी बन गया है, तो प्राइस वेरियंस रहता है। सर, तो क्या वन शुड लुक एट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस और अदर क्रिप्टोस, एंड इफ द आंसर इज यस,
देन व्हाट आर द बिटकॉइन के अलावा कहां कौन सी जगह है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? सी देखिए बिटकॉइन के अलावा करीब और 9999 कॉइन्स है और उससे ज्यादा है, राइट? मैं आपको बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ो, इन्वेस्ट करो तो निकल गएगा, हो ही नहीं सकता। इधर आपको रिलायबल सोर्स और रिलायबल प्लेटफॉर्म ढूंढनी है जो ये रिसर्च करके आपको बता पाए कि कौन सा करेंसीज अच्छे हैं और उसमें निवेश करने से कुछ फायदा हो सकता है और उसका रीजन बताए आप। ओके, क्यों मैं ये बता रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो सही तरीका यह है कि आप उसके बारे में पढ़ो। एग्जाम्पल के तरीके में दूंगा, दूसरी जो बिटकॉइन के नेक्स्ट में है, ओके, इथीरियम, वो क्या है? बिटकॉइन एक करेंसी के हिसाब से बनाया गया और उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से माना जाता है और डाउन द लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये करेंसी बन सकता है और ये गोल्ड से बेटर हो सकता है। और गोल्ड अगर 6 ट्रिलियन की मार्केट है, बिटकॉइन आज 700 बिलियन की मार्केट है, 1 ट्रिलियन गया था, 700 बिलियन की है अभी। अगर गोल्ड को, गोल्ड से ये बेहतर है और गोल्ड से अच्छा रिटर्न देता है, तो गोल्ड के निवेशी सब अगर इसमें शिफ्ट करते हैं तो गोल्ड की मार्केट के जैसे ये एक मार्केट बनेगी, तो 11 ट्रिलियन की मार्केट बन सकती है या 8 से 11 ट्रिलियन की मार्केट बन सकती है। वो एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है जो आपको एक कन्विक्शन देगी कि आपके एपिटाइट कितने हैं रिस्क लेने के लिए, आप निवेश कर सकते, राइट? बट इथेरियम क्या बोल रहा है? नहीं, ये टेक्नोलॉजी इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। इथेरियम बोल रहा है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको प्रोग्रामेबल मनी बना सकते हो, आप खुद बना सकते हो। ये क्या चीज है नया, प्रोग्रामेबल मनी? ये क्या चीज है भाई, ये तो बहुत नई चीज है, राइट? ये तो हम सोचे ही नहीं थे पहले। फेदर, सेल, पर्ल, स्टोन, इतना भारी मत डालो हम अपने दिमाग में, ये तो बहुत ही हो गया है। कॉमन मैन समझेगा कैसे? जो पानीपुरी बेचता है उसको अगर आप जाके बोलोगे कि पैसा का फॉर्म चेंज हो गया है और पैसे को प्रोग्रामेबल बनाया जा सकता है, तो चीज क्या है? मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। जब आप वेंडिंग मशीन में जाते हो, एक जहां पे कोक या पेप्सी मिलती है, आप अगर 20 रुपए की नोट डालते हैं उसमें और पेप्सी प्रेस करते हो आप बटन, तो बाहर क्या निकलता है, पेप्सी या कोक? पेप्सी। क्यों निकलता है? प्रोग्राम, राइट? तो अगर वो एक चीज को प्रोग्राम बना सकता है, राइट, तो ये तो पैसा इंटरनेट पे है और प्रोग्रामिंग कहां पे की जाती है? इंटरनेट पे की जाती है। तो ये पैसे को इंटरनेट पे अगर प्रोग्राम बनाया जाता है तो किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है? एग्जाम्पल, आप हर महीने किसी को भाड़े देते हो, रेंट देते हो, और आपके पास बिटकॉइन है या इथेरियम है, आप क्या करोगे? उसमें एक कोड लिख दोगे कि हर 5 तारीख को मिथुन भाई को 10,000 रुपए ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ये तो एसआई में भी होता है, बैंक में। नया चीज क्या है? नया चीज ये है कि आपके घर में जो डोर है वो जब तक खुली है, फुल्ली 100% लॉक नहीं है, वो कंडीशन जब मैच करता है, या ये कंडीशन है कि 30 दिन आपने वो डोर को यूज किया है, खोला है, बंद किया है, खोला है, बंद किया है, तब आपने कोड किया है कि मेरे को रेंट मिलना चाहिए, तो 5 तारीख को सिस्टम जाके ट्रैक करेगा कि देवी प्रसाद ने अपने घर के डोर खोला बंद किया है 30 दिन, तो वो घर पे रहते हैं और रेंट देना चाहिए, और रेंट दे देते। मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट में है या होटल के लॉज में आप हो, जितना दिन रहोगे उतना दिन का पैसा आपको भरना है, राइट? आप उतना ही दिन का भाड़ा देते हो, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसे को प्रोग्रामेबल बनाया जा सकता है और वहां पे पैसे रखने की, काउंट करने की झमेले में से आप बाहर हो। वैसे बहुत सारे चीज है जो प्रोग्रामेबल बनाया जा सकता है, जैसे फार्मर अपना चीज को
जहां से कल्टीवेट करके लेता है वहां पे आप IoT फिट कर दो, NFT RFID फिट कर दो, वो आलू कहां से आया, कितनी दूर से आया और उसका क्या रेट होना चाहिए, उस हिसाब से ये आपको बता देगा कि ये फ्रेश है या पुराना है और उसके हिसाब से आप पैसा वो फार्मर को सेटल कर। फार्मर आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये आलू मेरा देखो ये 2 दिन का है फ्रेश है, सिस्टम ही बता देगा कि ये 2 दिन का है, इसको अच्छा पैसा मिलना चाहिए और वो सेटल कर देगा। इथेरियम ये चीज को लेकर आता है। तो अगर ये आया है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि वेबसाइट बनाने का काम 15 लाख में होता था 2000 में, आज 50,000 में हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी में जो 2000 में इन्वेस्ट किया था आज वो बेनिफिट पाया, तो आपको वो सोच के रिसर्च करके समझना पड़ेगा कि ये टोकन का यूज केस क्या है, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है और जो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करके इन्वेस्ट करना। और वैसे बहुत सारे यूज केसेस है। ओके, दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि मानो कि हमने बिटकॉइन या एथेरियम या ऐसे कोई भी क्रिप्टो करेंसीज खरीदे तो उसको कहाँ पे स्टोर करें, क्योंकि ये तो इंटरनेट पे है, जैसे मेरा लैपटॉप हैक हो सकता है, मेरे फोटोज लिए जा सकते हैं या मेरा डेटा चुराया जा सकता है, तो अगर ये डिजिटल है तो कंपेयर टू गोल्ड, गोल्ड में तो मुझे सेफ ब्रेक करना रहता है, यहाँ पे तो अगर किसी ने हैक कर लिया तो मेरा पैसा तो सब जितना भी जमा पूंजी है वो ओवरनाइट चला जाएगा। करेक्ट, तो मैं वो दिखा देता हूँ। और वी आर सीइंग मेनी क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम हर क्वेश्चन को कवर करने का ट्राई करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल फाइंड अ वे टू एड्रेस दोस क्वेश्चंस टू यू, प्लस देर आर सम क्वेश्चंस जो काफी एडवांस लेवल के हैं, फॉर दैट वी विल बी कमिंग विद वर्कशॉप ऑन एडवांस लेवल। आज का जो मेन है कि बेसिक्स हम समझे कि ये चीज क्या है और ये इसमें स्केलेबिलिटी है कि नहीं है, या ये स्टोरी है या ये फ्यूचर है क्या है, तो सर्टन टेक्निकल क्वेश्चंस है उनको अगर टाइम परमिट तो हम डेफिनेटली ये करेंगे, अदरवाइज वी विल डेफिनेटली दिस आर मोर ओवर लेवल 2 एंड लेवल 3 व्हिच विल बी कमिंग अप वेरी सून। या यस सर, तो ये चीज है, ये एक पेन ड्राइव की तरह है, ये वॉलेट है, आप जब आप बैंक में पैसा डालते हो, जब आप काउंटर में टेलर में जाके डिपॉजिट करते हो, आप देखे होंगे मशीन में वो काउंट करते हैं और फिर जाके पीछे एक वॉल्ट रहता है, वॉल्ट में रखते हैं पैसा, कैश रखते हैं, करेक्ट, या तो नीचे उनके पास रहता है टेलर काउंटर में और वो पैसा वहां पे जमा होता है, राइट। ये इंटरनेट पे है पैसा, तो ये एक USP की तरह है, इसको हार्डवेयर वॉलेट बोलते हैं, इससे सिक्योर्ड चीज कोई नहीं है, बिकॉज ये क्रिप्टोग्राफी जो आपको मैं बताया कि आर्मी लोग जो यूज करते हैं मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है और ये आपके पैसा इसमें, जब तक ये आपके पास है और आपका पासवर्ड इसके पास है कोई भी इससे नहीं ले सकता। मैं इसको फेंक भी दूं, मेरा पैसा मेरे पास ही, क्योंकि पासवर्ड मेरे पास, ये गुम ही गया, ये गुम हो गया, मैं एक नया ला सकता हूं और वो पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूं, क्योंकि उसके पीछे जो कोड है मुझे मालूम है, मैंने लिख के रखा है कहीं, राइट, और मैं वो पैसा फिर से रिट्रीव कर सकता हूं। ये सबसे सिक्योर्ड वे ऑफ मैनेजिंग मनी, और इसको मैं कहीं पे भी जाऊं, ये जो USP है इसको कनेक्ट करूं, मैं पैसा यूज कर सकता, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही यूज होगा, प्लैनेट में कहीं पे भी जाओ जहां पे इंटरनेट है आप वहां पे इसको यूज कर सकते। अभी आप समझ पाते होंगे कि बिटकॉइन क्या सॉल्व कर रहा है। मैं अगर US जाऊंगा तो मुझे USD खरीद के US जाना पड़ता है, नहीं तो मैं वहां पे जाके INR नहीं दे सकता। बट ये टोकन, ये क्रिप्टो करेंसी बोल रहा है कि आप कहीं पे भी जाओ, इंटरनेट पे कनेक्ट करो, ये पैसा आप एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ बाकी ये रहा, वहां पे अगर पेमेंट एक्सेप्ट होता है तो ये जल्दी वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो, और वो हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डरलेस है। और ये सबसे अच्छे तरीके से स्टोर होता है जब आपको कुछ ट्रेड करना है, सपोज बिटकॉइन है, आपको इथेरियम में जाना है, इथेरियम से Zcash जाना है, Zcash से डैश जाना है, तब आपको ये कनेक्ट करके, जैसे मैं एक्सचेंज बताया, एक्सचेंज में ट्रांसफर करके वो ट्रेड कर सकते हैं, फिर वापस इसमें आ सकते हैं।
आई फील के जो लोग कई क्वेश्चन है जहां पे लोग अभी ओन कर रहे हैं काफी क्रिप्टो असेट्स, तो आप अपना फीडबैक हमें शेयर करिएगा। इफ देयर आर मोर पीपल विल डेफिनेटली डू, इफ प्रोफेसर परमिट्स उनका टाइम सेट करके जंबो वेल्थ विल ट्राई टू अरेंज अ वर्कशॉप जहां पे आप ये टेक्निकलिटीज के आप वॉलेट कैसे वो कहां से बाय करें, कैसे उसमें ट्रांसफर करें, वॉलेट से वापस हम कोल्ड वॉलेट से हम डिजिटल वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करें, वो सब टेक्निकलिटीज, या कैसे ट्रेड करें, या कैसे बाय करना चाहिए, या कैसे स्टेटिस्टिक्स रीड। देयर इज अ क्वेश्चन कि स्टॉक्स मार्केट में हम पी देखते हैं, पीबी देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, मनी कंट्रोल है, काफी चीजें है रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पे विच आर द एरियाज जहां से मैं क्या ऐसा पढ़ू, या क्या आप बोल रहे हो कि आपको खुद स्टडी करना चाहिए, राइट? तो कहाँ से स्टडी करें? जस्ट वन थिंग, वेरी सून मनी कंट्रोल इज कमिंग विथ प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो कंट्रोल करके वो लॉन्च कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ मनी कंट्रोल एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। बट सर, आप अगर मुझे कुछ स्टडी करना है बिफोर इन्वेस्टिंग एज यू से, विच आर द प्लेसेज वेर आई कैन गो एंड स्टडी और डू माई होमवर्क? There's a website called coinmarketcap.com, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो 10,126 टोकन्स है, ऊपर देखिए आप क्रिप्टो में है। टोटल मार्केट साइज है 1.6 ट्रिलियन, डेली का वॉल्यूम है 160 बिलियन। आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा मार्केट बन गया है। और इसमें ये जो टोटल मार्केट वॉल्यूम है जो 1.6 ट्रिलियन है, 43% का शेयर बिटकॉइन के पास है, वो 43% जो यहाँ पे है 692403, which is 692 billion, और second 295 billion, which is Ethereum, और बाकी अगर आप देखोगे ये आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर ये कहीं पे इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये दूसरी पेज आएगी। यहाँ पे ये जो जगह है आप देखिए, यहाँ पे वेबसाइट के नाम और वाइट पेपर, जिसको भी पढ़ना है उसके बारे में समझना है, ये आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। और ये आपको बहुत और दूसरी जगह पे भी लेके जाएगा, तो बहुत सारी चीज आप इसके बारे में जान सकते हैं। एवरी कॉइन, एक एक स्मॉल कॉइन के बारे में भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और दुनिया में कितने सारे एक्सचेंजेस हैं, इसको भी अगर देखना है, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये सब कितने सारे एक्सचेंजेस हैं। ओके सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके बाद हम वेल पे आते हैं। ऐसा है कि शुड वी बाय कॉइन्स विच आर लेस इन सप्लाई, यानी अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे इतना नहीं पढ़ना है, तो एक सिंपल देख लूं कि जिसका सप्लाई कम है मैं वो लेके मेरे वॉलेट में रख दूं, तो व्हाट इज योर थिंक ऑन दैट? पर्सनली आई ऑलवेज फील इट इज गुड इफ द सप्लाई इज लेस, दैट मींस उनका इंटेंशन सही है, वो यूजर्स को वैल्यू देना चाहते हैं। क्योंकि बिटकॉइन ने वो एस्टेब्लिश किया, आप देखें कि अभी 1.6 ट्रिलियन मार्केट में बिटकॉइन भले ही थोड़ा एक करेंसी ही है और उसको पूरा करेंसी की दर्जा नहीं मिला, बट वो 43% मार्केट शेयर है उसका। आप समझ रहे हो बात को, कल को अगर वो करेंसी की दर्जा मिल गई तो उसका शेयर कितना बढ़ेगा, मतलब मार्केट शेयर के बारे में बोल रहा हूँ, प्राइस पे नहीं बोलूंगा। मार्केट शेयर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगा, वो अलग बात है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की फॉर्मूला क्या है कि उसका सप्लाई कम है, स्केयरसिटी, अगर स्केयरसिटी के ऊपर वो वैल्यू इतना वर्कआउट हो रहा है, वो मॉड्यूल वर्क हो रहा है, दैट मीन्स ऑल अदर कॉइन्स विच इज ऑफ लेस नंबर विल ऑलवेज हैव एडेड एडवांटेज। भले ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा बाकी और चीजों से, वो क्या सॉल्व करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा, बट जनरली पॉजिटिव बायस में आप जा सकते हो क्योंकि उसका सप्लाई कम। गॉट इट। मिस्टर अय्यर है वास के, क्या हरमनी मल्टीमीडिया क्रिप्टो में एक्सेप्ट करेगा पेमेंट? तो
They would, but there will be jumbo wealth in between to look after certain aspects. I think aaj ke workshop ke baad Rajesh bhai definitely sochenge. On a lighter note, right? Dusra tha question ke bhai, sir, like what are the cryptos are you owning? Sorry, this is an open platform. He is a subject because he's connected with many known organizations of affluent organizations, तो नहीं बता सकते. आई एम ओपन. तो हमने आई एम में हमारा प्रैक्टिकल वर्कशॉप हमने जब किए थे, जब वेन वी वर सो वी आर द फर्स्ट कोहर्ट, हम सर के पहले स्टूडेंट थे आई एम के, जो सबसे पहला बैच निकला है इस पे क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन पे. तो उस टाइम पे हमने टीचिंग में काफी खरीदा है. वी हैव XRP, वी हैव बिटकॉइन, वी हैव चेनलिंक, वी हैव मैटिक, लाइक वी मीन्स आई, बट दिस इज मोर फॉर स्टडी. हमने जो लिया है स्टडी और स्लोली स्लोली उसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से, बट स्टिल आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट फार वे टू गो, बट सो वी हैव स्किन इन द गेम, दैट इज फॉर श्योर, राइट. और काफी चीज इसमें से सर भी ओन करते होंगे, तो आई एम श्योर, राइट. सर दूसरा मैं फंडामेंटली मैं बता दूंगा, मैं शुरू किया था बिटकॉइन में, मैं तो शुरू किया था 500 रुपए सिप में डाल के 2015 में. That is how I tried to learn. तब मुझे इतना कोई समझाने वाला नहीं था. मैं जितना भी आज कुछ बोल पा रहा हूँ या बता पा रहा हूँ आप लोगों से, मुझे बैठ के खुद अपने हाथ को जला के लॉस करके सीखना पड़ा और पढ़ना पड़ा. मैं सब डॉक्यूमेंट को एक एक पेज डिटेल वर्ड वाइज पढ़ा, फिर जब मुझे समझ में आया कि ये चीज क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटिटी मैं बढ़ाता गया ग्रेजुएट, ओके. और मैंने ऐसा भी देखा है, ये हाई वॉलेटाइल भी है, ये 40% डाउन भी जाता है एक एक दिन, एक एक महीने में, और 200% ऊपर भी आता है. यहाँ पे आपको सिर्फ वो एक माइंड में रखना चाहिए, सी इट इज इजी टू गो एंड पिक टॉप 20 टॉप 30 कॉइन्स एंड रीड विच एवर इज इंटरेस्टिंग टू यू, और यू टेक हेल्प फ्रॉम यू नो organization like Jumbo Wealth or any other people who has done research or who has done enough participation in the journey of that growth of that token or crypto, unse aap salah leke apna research karke aap nivesh ki. But ye again main advice nahi de raha hu, aap isko leke advice mat samjhiye, disclaimer deta hu, but isi tarike se har koi aage badh sakta. दूसरा एक सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के कैन दिस बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी से उसको फ्रैक्शन में बाय कर सकते हैं या वन क्वांटिटी टू क्वांटिटी ऐसे ही बाय, बिकॉज द प्राइस इज करंटली आर बिग, और अगर फ्रैक्शन में बाय कर सकते हैं तो कैसे बाय करें? वेरी गुड क्वेश्चन. हम बहुत सारे लोग ये मिस बिलीफ में रहता है, मिथ में रहता है कि यार एक बिटकॉइन 40 लाख है, अभी तो 25 लाख हो गया, छोड़ो 25 लाख, मैं 25 लाख देके क्यों खरीदूंगा, क्या हो जाएगा, एक 2.5 करोड़ हो जाएगा. बात वो नहीं, बिटकॉइन ये एक डिजिटल मनी है और इसको ऐसे बनाया गया है कि 8th decimal तक 0.000701 तक आप उसको ब्रेक कर सकते हैं. जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, बट आज 1 पैसे का कोई मोल नहीं है. हमारा छोटा यूनिट अभी 50 पैसा भी नहीं है शायद, अभी 1 रुपए, राइट, 1 रुपया अभी, हाँ शायद. तो पहले 1 आना रहता था, राइट. मैं जब छोटा था मैंने तो कभी 1 आना यूज नहीं किया, बट मैं पिताजी से देखा हूँ कि 1 आना यूज होता था, राइट, और 2 पैसा कुछ था वो यूज होता था. तो बिटकॉइन क्या बोलता है, 1 बिटकॉइन को 8th decimal तक आप खरीद सकते हो. तो 8th decimal जब आप 25 लाख को डिवाइड करोगे, ओके, 100 1 to the power 8, तो आप वो डेसिमल को खरीद सकते, तो आप 100 रुपए में भी बिटकॉइन खरीद सकते. तो ऐसा नहीं है कि वो 25 लाख हो गया मतलब आपको 25 लाख देके ही आपको निवेश करना, ऐसा नहीं. आप 200 100 तो हजार कुछ भी देके कर. मैं तो 2015 में 500 देके सिप में शुरू किया. दूसरा क्वेश्चन के बिकॉज आई एम देयर, इट इज अ सेल्फ गवर्न्ड, राइट. तो यहाँ पे कई बार वर्ड यूज किया जाता है वेल, के वेल, तो व्हाट इज वेल, और ये प्राइसेस को कितने हद तक मैन्युपुलेट कर सकते हैं या इंपैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक रिस्क अगर देखे
क्योंकि वेल है, तो वेल है क्या, ये बेसिकली ये क्या मछली है एंड हाउ कैन इट इम्पैक्ट अस? बहुत सिंपल है, ये बीच में टमाटर 100 किलो हो गया था, राइट? टमाटर या प्याज हुआ था, ऑनियन हुआ था, राइट? प्याज हुआ, क्यों हुआ? एक तो वो सप्लाई आना बंद हो गया, कहीं पे बहुत सारे जगह पे क्रॉप्स जल गए, राइट? और जो होलसेलर थे जिनके पास 5 गाड़ी 10 गाड़ी या 50 गाड़ी जो कर पाए, लेके आ पाए और रख पाए उनके पास, सी दैट इज अ प्राइड, राइट? मार्केट में नहीं है मेरे पास 50 गाड़ी, राइट? मैं तब वेल बन जाता, मैं मार्केट की प्राइस ड्राइव करता, करेक्ट? तो वेल ये लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन $10 में है, वो टाइम पे ये लोग 1,000, 2,000, 5,000 बिटकॉइन लेके बैठे हैं, ओके? तो वो लोगों का थोड़ा इन्फ्लुएंस रह जाता है मार्केट में, वो क्या करते हैं सडनली जाके, वो क्या करते हैं जब मार्केट में प्राइस एक 2 गुना हो गया, बढ़ गया, तो धीरे 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 खाली कर देते। प्याज जब 150 रुपए हुआ, बेचा कौन? वही वेल्स ही बेचे, हम लोग खरीदे, जो डेली खाते हैं वो जाके हमने खरीदा, क्योंकि हम बिना प्याज खाए जिंदा नहीं रह सकते, तो हमने 2 किलो 3 किलो करके वो 50 गाड़ी खत्म कर दी। फिर वो उनका जब खाली हो गया, वो उसको बहुत पैसा मिला, बहुत फायदा हुआ, तो वो जाके क्या करते हैं जब प्याज 5 रुपए में आता है, फिर जाके 500 गाड़ी खरीद लेते और फिर से वो वेल बन जाता है। तो वेल का काम यही है कि वो जो बल्क डील होता है उनका इन्फ्लुएंस रहता ही है, और वो वेल मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी को ट्रिगर करता है, क्योंकि ये मास एडॉप्शन अभी हुआ नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं अभी कि बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा रखें बोल के। अगर 8 बिलियन पीपल इन वर्ल्ड, इफ दे कीप एवरीवन, यू डिवाइड 21 मिलियन बिटकॉइन डिवाइडेड बाय 8 बिलियन पीपल, सबको डेसिमल में ही मिले, बट अभी वो नहीं हुआ, इसीलिए डिसइक्विलिब्रियम में पहले बोला कि ये डिसइक्विलिब्रियम है, कुछ 10 बिटकॉइन मिथुन जी के पास है, मेरे पास है ही नहीं, तो वो डिसइक्विलिब्रियम के वजह से सडनली मिथुन जी वेल बन गए। वो डिक्टेट कर रहे हैं, कभी कभी वो डिक्टेट कर देते हैं कि मैं मार्केट में जाके ना ये प्राइस में खरीद लूंगा, तो वो प्राइस चेंज हो जाता है, या मार्केट में जाके मैं बेच दूंगा, तो वो मार्केट इंपैक्ट हो जाता है, इसीलिए वेल इन्फ्लुएंस करता है। ओके सर, कुछ आई एम श्योर काफी लोगों ने हमें काफी अच्छा टाइम दिया, पीपल हैव बीन वेरी पेशेंट, पीपल हैव बीन वेरी क्यूरियस। कुछ एंड में एक स्मॉल टेक अवे हम रखते हैं कि यू नो समथिंग विच कैन बी ओन्ड या इन्वेस्ट कर सके, कुछ आप अगर एक सिंपल एडवाइस कुछ सजेशन दे सकते हैं तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन अगर आप करोगे वी विल टेक इट। उसके पहले ये जो वेल की बात आई तो मेरे दिमाग में चाइना आया, और चाइना की बात आई तो रिसेंटली अभी जो एक बड़ा करेक्शन जो आया कि भाई चाइना बैन कर रहा है अब व्हाट इज दिस एनामोली, बिकॉज चाइना व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइनर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड इज आई थिंक ऑल्सो वन ऑफ द वेल बोल सकते हो उसको भी, तो अगर उस पर कुछ आप इंसाइट देना चाहोगे कि अगर इतना बड़ा माइनिंग कर रहे हैं, काफी कर रहा है चाइना, काफी टाइम से कर रहा है और अक्यूमुलेट कर रहा है, जस्ट लाइक इट इज अक्यूमुलेटिंग अदर कॉमोडिटीज, वो इसको भी अक्यूमुलेट कर रहा है, तो एकदम से ओवरनाइट उसका क्या स्टैंड कि भाई वो बैन, सो देयर एंड यू नो हाउ न्यूज़पेपर्स दे वुड राइट समथिंग एंड द कंटेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड द हेडलाइन इज समथिंग डिफरेंट, तो अगर उस पर कुछ आप ये सिंपल सी आंसर करना चाहें, ये सिंपल सी आंसर है, चाइना का कोई माल में कोई वैल्यू नहीं है, न्यूज में भी कोई वैल्यू नहीं, चाइना का माल सस्ता में मिलता है, जल्दी टूट जाता है, चाइना का न्यूज भी ऐसे ही, ठीक है? और वो कुछ भी करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, आपके फायदे के लिए वो नहीं करते, इतना समझ लीजिए आप सेफ रहोगे, नहीं तो अगर वो न्यूज के पीछे भागोगे आप अपना सब कुछ गवा के दिवाला हो जाओ। वो ये सब बनाते हैं जानबूझ के कि आपसे वो बिटकॉइन छीन के वो ले जाए, ठीक है, आपके एसेट से पैसा वो ले जाए। ये जो सब फंड है, ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था पहले कि वेल्स, वो एक वेल है बिकॉज वो पहले से इसको एक्सेप्ट करके बैठे, हम लोग अभी भी नहीं कर रहे, स्मार्ट वो है कि हम अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करके वेल बन के हमको तंग कर रहे हैं,
हमको बोल रहे हैं कि ये गंदा है, ये खराब है बोल के बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं बोल देते हैं, या माइनिंग बंद कर देते हैं बोल देते हैं, और आप जाके बेच देते हो। बट उन्होंने लास्ट 10 साल से पकड़ के बैठे हैं और वैल्यू वो लोगों ने सब खाया है प्रॉफिट। वो जब प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ऐसे करते हैं, और जब वो फिर से बाय करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ खराब न्यूज छोड़ देते हैं, तो आप बेच देते हो, वो लोग खरीद लेते हैं। सी मार्केट में कोई तो जाके खरीदता है जब गिरता है। हम लोग होते हैं जो पेशेंस हार जाते हैं और भरोसा करना छोड़ देते हैं और बेच देते हैं। अभी रिसेंटली जो वोलेटाइल हुआ, जो न्यूज आया, कार्बन फुटप्रिंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, चाइना ने बैन किया, वो सब गलत है। मैं आपको एक YouTube वीडियो भी शेयर कर दूंगा बाद में, भी आप शेयर कर देना सबसे। वो पूरा लाइन आइटम आया है कि किस तरीके से ये सब क्रिएट किया गया, और ताकि रिटेल इन्वेस्टर डर के छोड़ दे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर। गोल्डमैन सैच का रिपोर्ट बोलता है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेट गोइंग फॉरवर्ड, वेयर ऑल द बिग इंस्टीट्यूशन बिजनेस हाउसेस विल हैव टू इन्वेस्ट। सेकंड, यूएस में बहुत सारे कंपनियों की, हमारे इंडिया में तो अभी तक में है कि बैंक सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बैन है, इलीगल है, इलीगल। यूएस में वो लेवल से वो आगे चले गए। कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें से कुछ परसेंट उनको अलाउ किया जाता है बिटकॉइन में वो निवेश कर सकता है। और माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के ओनर है, इलॉन मस्क, हैज इन्वेस्टेड 1.5 बिलियन ऑफ देयर बैलेंस शीट मनी इनटू दिस एज एन एसेट। जैसे हमारे कंपनीज में क्या होता है, बॉन्ड में, इसमें, उसमें होते हैं, डिबेंचर्स में, शेयर्स में, वो कंपनीज बिटकॉइन में ऑलरेडी इन्वेस्ट करना शुरू करे, तो वो इतना कुछ हम बिना समझे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। कंपनी 1.5 बिलियन कमिटिंग इज नॉट गुड। सो चाइना के बारे में कुछ भी ठीक नहीं होता, मैं तो कुछ भी भरोसा नहीं करता, सिंपल सी बात। ग्रेट सर, एंड उसके कनेक्टेड क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज माइनिंग? ये जो हमने इतनी बार माइनिंग का वर्ड यूज किया, तो ये क्रिप्टो एसेट में आई थिंक वन वे ऑफ, एक तो कि आप क्रिप्टो बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट यानी एक्सचेंज में ले, कि हर मनी मेरा कुछ काम कर दे मुझे डिजिटल मीडिया पे उनको उठा, दूसरा मैं या तो माइन करूँ, तो व्हाट इज माइनिंग? सो माइनिंग ये है कि बिटकॉइन जैसे व्हाट यू कॉल इंटरनेट पे है, और बिटकॉइन में जब ट्रांजेक्शन होता है, सपोज मैं एक बिटकॉइन राजेश भाई को भेजता हूँ, तो वेरीफाई कौन करेगा? जब बैंक में आप पैसा देते हो तो क्या होता है, आप अपने इंटरनेट यूजर आईडी पे डालते हो, पासवर्ड डालते हो, एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि यूपीआई से या एनईएफटी से, आरटीजीएस से मैं राजेश भाई को पैसा ट्रांसफर करूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, राजेश भाई का अकाउंट में ऐड करता हूँ, फिर मैं ट्रांसफर करता हूँ। जब मैं ट्रांसफर करता हूँ होता क्या है पीछे, कोई समझा है? बैंक का सर्वर आपका इंस्ट्रक्शन लेता है, चेक करता है कि ये देवी प्रसाद का अकाउंट है कि नहीं, और ये जो भेजना चाहता है राजेश जी का अकाउंट, राजेश जी का अकाउंट है कि नहीं, लेजिटिमेट है कि नहीं, ये वैलिडेशन करने के बाद बैकएंड में डेटाबेस ये मैच कर देता है, बोलता है ये ट्रांजेक्शन को थ्रू कर। ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये हो जाता है, और ये कब होता है, जब पासवर्ड हम पंच करते हैं वो वैलिडेट हो, जब ओटीपी जाता है, आप ओटीपी देते हो तो वो बैकएंड से वो वैलिडेट कर देता है। बट ये बैंक में होता है, बिटकॉइन में बैंक है ही नहीं, इंटरमीडियरी है ही नहीं, तो माइनर काम करता है। माइनर इज द अकाउंटेंट और द वेरीफायर ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो आपका देवी प्रसाद का ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट लेता है, पढ़ता है, फिर बोलता है ये राइट है कि रॉन्ग है, देवी प्रसाद का वॉलेट है कि नहीं, पहले चल वो मनी ट्रांसफर करना चाहता है बट है कि नहीं पैसा उसका। जब हम चेक इश्यू करते हैं, हम देखते हैं कि इसका अकाउंट में पैसा है कि नहीं, चेक तो इश्यू कर दिया, चेक का डेट क्या है, स्टेल तो हुआ नहीं है, वर्ड और अमाउंट मैच होता है कि नहीं, ये सब मैन्युअली होता था बैंक में और रियल टाइम। बट इंटरनेट पे मैन्युअली कोई बैठा नहीं है, इंटरनेट खुद ये चेक करता है, मैथमेटिक्स एल्गोरिथम चेक करता है कि ये आईपी एड्रेस पे ये वॉलेट है, ये वॉलेट में इतना बिटकॉइन है, इसमें से 2 बिटकॉइन ये बंदा राजेश भाई को भेजना चाहता है, और राजेश भाई का ये आईपी एड्रेस पे ये अकाउंट है, वॉलेट है, और यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है, ये लेजिट है, वेरीफाई कर। जब माइनर वो वेरीफाई करता है, वो 2 बिटकॉइन के अंदर से सम 0.002 या 0.01 एक ट्रांजेक्शन फी वो माइनर अर्न करता है। दूसरा, जो बिटकॉइन 21 मिलियन है उसमें से कुछ परसेंट एज ए रिवार्ड
वो माइनर को मिलता है। तो माइनर ये काम करने के लिए सैलरी की वजह से, सैलरी के बिना, लाइक टेलर काउंटर में जो कैशियर काम करता है उसको सैलरी मिलता है, यहाँ पे माइनर को बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलता है और ट्रांजेक्शन फी मिलता है। बैंक में टेलर में सैलरी मिलता है, बिटकॉइन माइनर यहाँ पे सेम वेरिफिकेशन करता है बट उसको रिवॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन फी बस। और ये कहीं पे भी कोई भी कर सकता है, इंटरनेट होनी चाहिए बस, और उसके रिक्वायरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो, वो थोड़ा कॉस्टली होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितना ज्यादा होता है आपका अर्निंग भी उतना ज्यादा एज ए माइनर। तो क्या, ओके, तो यानी कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स बाय करने पड़ते माइनिंग के लिए, या हमारा जो लैपटॉप होता है? आप लैपटॉप में भी कर सकते हो बट उतना हाई लेवल का लैपटॉप नहीं है, आपको डेस्कटॉप में करना ही पड़ेगा और उसके लिए एंट माइनर खरीदना पड़ता है। वो एक ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है जिसमें हाई लेवल की कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और हाई लेवल की कंप्यूटिंग पावर इज नथिंग बट टू सॉल्व ए पजल ऑनलाइन। वो क्या करता है, बिटकॉइन में जब आप ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना चाहते हो वो आपको एक पजल देगा, और वो पजल को फास्ट रन करना पड़ेगा आपको सिस्टम। सिस्टम में अगर कंप्यूटिंग पावर कम हो, सीपीयू का पावर कम हो, तो वो फास्ट नहीं कर पाएगा। फास्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आपका सिस्टम का इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, और आप ब्लॉक को वेरीफाई नहीं कर पाओगे और आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। बट मेरे से ज्यादा आपका सिस्टम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, एफिशिएंट है, तो आपको वो रिवार्ड मिल जाएगा। तो माइनर के अंदर ये कंपटीशन रहता है ऑलवेज टू इम्प्रोवाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर टू गेन मोर रिवार्ड एंड मोर ट्रांजेक्शन, इसीलिए वो कंपटीशन में चलता है बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइज। ऐसा नहीं है कि सैलरी, मैं आज 50 पेमेंट कर दिया, रिसीव कर दिया, मेरे को सैलरी महीने में 20,000 मिल गया एज ए टेलर, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। बैंक आपको ये नहीं बोलता है कि आप अगर 100% एक्यूरेट दिन का 1,000 ट्रांजेक्शन वेरीफाई करोगे तभी आपको सैलरी मिलेगी, बैंक में वो नहीं होता। बट ये डिसेंट्रलाइज्ड है इसीलिए ये फॉर्मूला ड्रिवन, वो फॉर्मूला फिट बैठा है कि ऐसा करोगे तभी आपको मिले। सैलरी नहीं है, कोई है नहीं ना, बैंक ही नहीं है, सीईओ नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है इसीलिए। इसका मतलब है ये ऐसा प्रोफेशन, माइनिंग ऐसा प्रोफेशन कोई आदमी परस्यू कर सकता है इसको? यस एब्सोल्युटली, नो, इट्स अ फ्रीलांस प्रोफेशन। ओके ओके ओके, मैं सीधा जाऊंगा मार्केट में, एंट माइनर खरीदूंगा सबसे लेटेस्ट वाला, अच्छा कनेक्शन दूंगा, नया सिस्टम खरीदूंगा, लगा के बैठूंगा, जितना बिटकॉइन आएगा, जब भी आएगा, मैं मार्केट में बेचूंगा तो मुझे एक डिफरेंस मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्लस माय इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड द बिटकॉइन प्राइस, देयर इज अ प्रॉफिट। सो इट्स अ बिजनेस। And there are abroad, there are full-fledged companies who are doing that by having a mining warehouse and even producing their own electricity through natural resources and trying to mine it. अभी ये जो पद आया जी, electricity waste होता है, ये होता है, वो होता है, उसमें पता चला कि 60% already is working on renewable energy और वो solar panel लगा के bitcoin mining कर रहा है, वो electricity लगा नहीं। और इंडिया में वो बहुत बड़ी चांस है। हम लोग 3 साल पहले कोशिश किए थे, मेरे एक दोस्त यूएसए ही फोन किया था और मैं पूरा जाके लैंड वेंड सब सेट किया था, हम शुरू करने वाले थे, बट हमारा यहाँ पे क्लैरिटी नहीं था। वो लोग बोले कि ये आप कर नहीं सकते, माइनिंग इज बैन एंड ऑल। आई एम श्योर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हमने वो दूसरा बंदा वो रिस्क नहीं ले पाया, वो बोले कि नहीं ये क्लैरिटी नहीं है तो रहने देते हैं, बाद में करते हैं। बट हमारे पास सोलर पैनल 2 मेगावाट का लेके बिटकॉइन माइनिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के, और वहां पे फार्मिंग दूसरी जगह पे होगा, एक पीस आप ये करके भी कर सकते हैं। दिस इज अ बिग बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड इट विल हैपन डाउन द लाइन, इट इज गोइंग टू हैपन। वेरी ट्रू सर। एक क्वेश्चन था कि वॉलेट कहाँ से खरीदे, तो लेजर, टेंजर जैसे वेबसाइट है, यहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं एंड दे विल शिप इट टू इंडिया। कस्टम ड्यूटी लग सकता है अगर पोस्टल डिपार्टमेंट में चार्ज हो सम कस्टम ड्यूटी, या अगर कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है यूएस, कनाडा, या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो यू कैन आस्क देम टू गेट इट फॉर यू, करेक्ट सर? आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। या बट द प्राइसेस आर समटाइम्स वेरी हाई एंड अवेलेबिलिटी मे बी, नो सी दे हैव रिजॉल्वड एवरीथिंग, कस्टम ड्यूटी वो सब अलग के स्टोरेज में रखे हैं। आप 2-3 हज़ार ज्यादा पड़ेगा, अमेज़न में एक ही दिन में घर पे आ जाएगा।
ओके वेल सेड सर, सिंपल वे टू इन्वेस्ट बहुत सेफ, अगर कुछ एक तो बिटकॉइन है, अगर कुछ मुझे ऑडियंस के साथ, जो हमारी ऑडियंस उनके साथ अगर एक कुछ शेयर करना हो तो समथिंग यू कैन ओपनली शेयर के विच कुड बी वेरी सिंपल एंड एवरीबॉडी कैन इम्प्लीमेंट टू ट्राई इट, क्योंकि क्या जब तक कोई खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू नो उनको समझना, इट इज मोर इजी इफ वी डू इट ऑन आवर ओन. सिंपल चीज ये है कि कोई भी टोकन आप खरीदना चाहते हो तो आप ये देख लो कि उसका नंबर ऑफ वॉलेट एड्रेस, वॉलेट एड्रेस मतलब कि आप अगर एक वॉलेट खरीदे हो जहां पे आप रखोगे, वो इंक्रीज होता है कि नहीं ओवर द ईयर्स. ये डेटा आपको bitcoin.com, blockchain.info ये सब जगह पे मिल जाए. एक्टिव एड्रेस, न्यू एड्रेस मतलब क्या हो रहा है, इसका एडॉप्शन बढ़ रहा है, लोग इसको, नए नए लोग आ रहे हैं और इसमें निवेश हो रहे हैं. ये इंफॉर्मेशन सिंपल है. अब देखिए 2010 में ये बहुत नीचे था, अभी इतना ऊपर आया है. तो ये वॉलेट डे बाय डे एक्टिव एड्रेस एंड न्यू एड्रेस ऐड होता ही जा रहा है, दैट मींस ये ग्रो हो रहा है. सिंपल, 3 साल, 5 साल और 1 साल जो निवेश करके बैठे हैं, 2018 में 41% 1 साल पुराने थे, 3 साल पुराना 28% और 17 साल पुराने 17%, 5 साल पुराने 2018. 2020 में क्या हुआ है, ये जो 1 साल के जो लोग थे वो 61% हो गए. देखिए नीचे, तो मतलब कितने लोग आपके जुड़ गए और unless and until उनको वैल्यू नहीं मिलता है वो नहीं आए. और 5 साल के अंदर भी देखोगे आप तो ये भी बढ़ा है, 17% था 22% आ गया. 3 साल में, 3 साल से प्लस जो निवेश हुए हैं 28% था, वो 28% पे ही था, बट 1% एक ईयर और 5 ईयर का ग्रो हो गया. दैट मीन्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ये निवेशियां बहुत बढ़ गए. ये तो 2020 की बात है, अभी इसका मेरे पास डेटा नहीं था. वहां पे अगर आप देखोगे तो ज्यादा आएगा. और स्टॉक फ्लो मेथड के हिसाब से बिटकॉइन की वैल्यू $288,000 होना चाहिए 2024 के अंदर. ये एक थियरी है, स्टॉक टू फ्लो मॉडल, जिससे बोलता है कि गोल्ड इतना ही है और गोल्ड अगर अगले 30 साल में क्या वैल्यू हो सकता है वो मेथडोलॉजी में अगर जाएंगे तो सिमिलरली बिटकॉइन 21 मिलियन है, अगर आज का डिमांड ये है तो 20 साल के बाद क्या हो सकता है. तो मिथुन भाई आप बता दीजिए कि $288,000 कितना होता है INR. हेलो सॉरी, मैं क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहा था. नो प्रॉब्लम. हाँ, $218,000. $288,000 इज हाउ मच INR? हाँ, 78 में. ओके, और मैं थोड़ा कुछ प्राइस आपको दिखा दूंगा जो ओवर द इयर्स बढ़ा है. इसमें एक आपको मैसेज मैं देना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म सोच के निवेश करना ही ठीक रहेगा. अगेन इट्स नॉट एन एडवाइस, बट नंबर्स ये बता रहे हैं. ठीक है, नंबर्स ये बता रहे हैं कि अगर कोई 2010 में इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन पे, वो 0.1 रुपए में भी लिया होता या $1 में लिया होता तो उसको आज लाखों करोड़ों में मिल रहा है. इथेरियम जो सेकेंड वाला है वो August 15 में लॉन्च हुआ था, वो कितने में लॉन्च हुआ था, $1 में लॉन्च हुआ था, आज उसका प्राइस 2600. ये बीच में 1300 गया था, 300 पे आया, रादर 100 पे भी आया था, 192 भी आया था, अभी 2600 है. और ये इसके ऊपर भी गया था, अभी 4800 तक ही गया. तो ₹1 से $1 से $4,800 इज नॉट ए जोक. बट ये कब हुआ है, 5 साल 6 साल में हुआ है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रिसर्च कीजिए, या तो जो रिसर्च करते हैं उनके ऊपर आप रिलाय होके लॉन्ग टर्म निवेश में ये सब अच्छे रहता है. ये जो राजेश जी पूछ रहे थे, इंटरेस्ट हो गए लोग जो आके बोलते हैं कि कल मैं दे दूंगा 5 गुना, परसों दे दूंगा, अगले साल दे दूंगा, वो नौबत में मत फंसिए, वो बहुत खतरनाक और डेंजरस होता है. कोई भी आपको आके बोले कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी शिफ्ट है फिर भी 1 साल में कुछ नहीं होता,
ये है जो 0.29 में शुरू हुआ था, आज $28 $60 तक गया था। अब देखिए कितना परसेंट ग्रो हुआ, 2019 में ये आया था मार्केट में, 21 में 0.29 से $28। तो ऐसे बहुत सारे टोकन है, और मैं जो आपको वेबसाइट दिया हूँ वो वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब डिटेल्स मिल जाए, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये तो हो गया सर। एक यूएसडीटी, अगर किसी को सिंपल शॉर्ट टर्म जो उस पर कुछ अगर आप ये दे, और जो आपने कन्वर्जन बोला था दैट वाज अराउंड 2 crore 8 lakhs और समथिंग लाइक दैट, 2 crore 8 lakhs। तो आज बिटकॉइन 25 लाख है, 2 crore भी हो सकता है अगर वो मॉडल करेक्ट, और वो मॉडल आज तक करेक्ट होता आया, वो जो भी मॉडल वो क्रिएट किया था वो आज के दिन में रेट बताया था कि कम से कम $42,000 होना चाहिए और हाईएस्ट $70,000 होना चाहिए, और मार्केट अभी 38,000 में है और हाई 68,000 में गया था, तो काइंड ऑफ इट इज वेरी क्लोज टू दैट नंबर, तो दैट इज काइंड ऑफ बिलीवेबल। दूसरी बात ये है जो यूएसडीटी, एक अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बताइए, सॉरी आई एम, हाँ यस, आप दूसरी बात, हाँ तो दूसरी बात जो आप यूएसडीटी के बारे में बोल रहे हैं, तो और बात ये है कि ये जो 5 साल में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, आज हम बिटकॉइन को सिर्फ एक करेंसी के बारे में तोल रहे हैं कि ये होगा नहीं होगा, और एसेट के हिसाब से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इससे अलावा जो मैं आपको बताया कि प्रोग्रामेबल मनी हुआ है, प्रोग्रामेबल मनी में क्या हुआ, मान लीजिए आप बिटकॉइन रखे हो लॉन्ग टर्म 6 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने आज खरीद लिया, बट क्या हुआ वो पैसा ब्लॉक हो गया, और आप 10 साल के बाद ही विड्रॉ करोगे, 10 साल के अंदर क्या होगा, कुछ रिक्वायरमेंट आएगी, उसका रिटर्न्स क्या है, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या है, आप लॉस पे रहोगे, अपॉर्चुनिटी लॉस रहेगा। उसको मिटिगेट करने में ये जो प्रोग्रामेबल मनी थियोरी है इथेरियम का, वो ब्रिलियंट प्रोडक्ट बना है। वो आपको क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप स्टेक कर सकते हैं। स्टेक मतलब क्या है, मैंने एक टोकन इश्यू किया है देवी प्रजा टोकन, और मैं चाहता हूं कि वो देवी प्रजा टोकन आप सब होल्ड करें, बेचे ना, होल्ड करेंगे तभी तो वैल्यू बढ़ेगा, बिटकॉइन जब होल्ड करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है, तो मेरा भी टोकन आपको वैल्यू बढ़ेगा कब, जब आप होल्ड करोगे। तो होल्ड करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप आके, मैं एक वॉलेट देता हूँ, वो वॉलेट पे आप डिपॉजिट करोगे, वो पैसा मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आप लॉक करके रखोगे जैसे आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो। तो सेविंग्स अकाउंट में जब आप रखते हो क्या होता है, आप पैसे को यूज नहीं करते हो, बैंक यूज करता है और आपको 3% 4% देता है, बैंक जाके लोन देता है 8% लेके 15%, और बैंक वहां पे प्रॉफिट करता है। यहां पे क्या होता है, मैं आपका पैसा नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आप लॉक करके रखो, मैं आपको रिवार्ड दूंगा और मैं एक्स्ट्रा टोकन आपको डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊंगा। अगर वो टोकन आप जाके मार्केट में बेचोगे, साल का मिनिमम 6% से लेके 40% तक रिटर्न्स मिलता है, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, और ये सेविंग्स से मच बेटर है। जो पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो वो यूएसडी में रखोगे तो आपका पैसा कम नहीं होता, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है उसमें, क्योंकि यूएसडी सब हर टाइम सेम रहता है, वो कभी भी आपको इक्विवेलेंट यूएसडी दे देगा, और उसके ऊपर आपको अगर 6% मिलता है तो बेटर देन सेविंग्स। सो ज्यादा रिस्क ना लेके कंजर्वेटिव अप्रोच में भी अगर इसमें आप इंटरेस्टेड दिखाएं और इन निवेश करें तो 6% रिटर्न में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास वेयर यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल, जीरो रिस्क, 6% वैसे ही मिल रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है मैं 4% ज्यादा रिस्क लूँ, 5% ज्यादा रिस्क लूँ, कौन सा प्रोडक्ट है जो 20% देता है, कौन सा प्रोडक्ट है जो 12% देता है, ठीक है मेरा पोर्टफोलियो से मैं 5% पैसा जो 70% या 40% बोलता है उसमें डाल के मैं देखूँ कि मिलता है कि नहीं, होता है कि नहीं, और ये सब सेफ अटेम्प्ट है और सेफ वे है, रादर देन कोई बोला कि पैसा दे दो भाई मैं तुमको 4 गुना कर दूंगा और 4 महीने में दे दूंगा, दैट्स रॉन्ग। तो ये प्लेटफॉर्म पे वो एक इवॉल्व हुआ है और बहुत अच्छा एवेन्यू आया है, और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोग्रामेबल मनी।
वेरी गुड सर, यानी कि आप 6% से लेके 40% तक डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट इज व्हाट यू कैन लुक एज एन इन्वेस्टर। सर एक उस क्वेश्चन था कि जो पेटीएम या दूसरे वॉलेट रहते हैं, जो ट्रेडिशनल वॉलेट है जिसमें रुपीज रहते हैं और उसमें जो रिवॉर्ड मिलते हैं, और ये जो वॉलेट में स्टेकिंग में जो रिवॉर्ड मिलते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वो प्रोग्राम के काफी पहले रखा गया था, मैंने उसको होल्ड रखा था कि एक बेस बने फिर वो क्वेश्चन को मैं रखूं। राइट, आज क्रेड भी है, क्रेड अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हो तो आपको वो कुछ कॉइन्स दे देता है, राइट, और वो कॉइन्स अपने प्लेटफॉर्म पे वो बेचना चाहता है, बोलता है कि कुछ आप मर्चेंडाइज खरीदो, वॉच खरीदो, कुछ बैंड खरीदो, मोबाइल खरीदो या चाय की पत्ती खरीद लो, आपको वो टोकन को एक्सचेंज करके डिफरेंस पैसा देना है, बोलता है। तो मैं अगर कुछ एक्टिविटी करूं, सपोज आप जम्बो वेल्थ एक टोकन लॉन्च करता है और आप जब जम्बो वेल्थ को मानते हो और कुछ निवेश करते हो तो जम्बो वेल्थ बोलता है कि मैं आपको कुछ टोकन देता हूं, और वो टोकन आप बोलोगे भाई मैं लेके क्या करूं, इसके यूज क्या है, राइट। वैसे ही पेटीएम क्या करता है, आप जब कुछ पेमेंट करते हो वो भी आपको कुछ टोकन दे देता है, स्क्रैच कार्ड आता है, राइट, वो स्क्रैच करके आपको अनलॉक होता है। तो स्क्रैच कार्ड क्या होता है, स्क्रैच कार्ड में आपको दिया जाता है कि फ्लिपकार्ट में 400 रुपए की वाउचर, बट वो 400 रुपए है नहीं, 4000 जब आप खरीदोगे तो 400 रुपए की डिस्काउंट मिलेगी, दैट मीन्स 4000 का वो रेवेन्यू आपसे ले रहा है 400 रुपए देने के लिए, और उसके लिए टोकन का जरिया बनाया गया, राइट, और वो जब यूज होता जाएगा उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और वो टोकन कम होते जाएंगे। तो ये एक इकोनॉमिक्स है जो हर कोई बिजनेस इम्प्लीमेंट कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और वो टोकन को एनकैश करने का एक मेथोडोलॉजी बना सकता है। जैसे मिथुन जी बोलेंगे कि आप अगर आके एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हमारे थ्रू से, हम आपको 1,00,000 टोकन देंगे, नेक्स्ट ईयर जब आएंगे हम आपको ये टोकन के जरिए पेमेंट करने के लिए अलाउ करेंगे, जहां पे आपको 20% की डिस्काउंट मिलेगी। तो ये साल अगर वो आपसे 5,000 की फीस लिए हैं, अगले साल वो 1,00,000 टोकन लेके 3,000 रुपए में आपको निवेश करने के लिए अलाउ कर देंगे। तो क्या हुआ, वो 1,00,000 टोकन की वैल्यू सडनली 2,000 हो गया, और वो वैल्यू कौन डिसाइड किया, मिथुन जी ने डिसाइड किया, कौन एक्सेप्ट किया, आपने एक्सेप्ट। अगले साल वही टोकन मिथुन जी बोलेंगे डिस्काउंट इज नॉट 2,000, 4,000। तो मान लीजिए सडनली वो टोकन वो साल बिना खर्चा किए अगर आप नेक्स्ट ईयर खर्चा करते तो आपको 2000 के बजाय 4000 बेनिफिट मिलता, तो उस हिसाब से वो टोकन की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये एक वाउचर की तरह काम करता है जो आपको एक प्लेटफॉर्म एक्सेस करने के लिए डिस्काउंट देता है, और उसी से इसका वैल्यू डिराइव होता है। ये एक इंटरेस्टिंग सा है, हम इसको डिटेल लेवल पे जब हम डिटेल का कोर्स करेंगे तो आई कैन टेक यू थ्रू मेनी एग्जांपल्स वेयर यू विल अंडरस्टैंड। इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं, और हर बिजनेस को आप टोकनाइज कर सकते, डोमिनोज पिज्जा कर सकता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला कर सकता है, ओके, एक मॉल में रहने वाला मैकडोनल्ड भी कर सकता है, आप अगर चावल बेचते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या कम्युनिटी भी टोकन कर सकता है, कैन दे टोकनाइज? यस, जैसे कम्युनिटी होता है, समाज होता है, या वो सबसे बड़ा टोकनाइजेशन हो सकता है कि कम्युनिटी में, मैं तो ये तो जानता हूँ, मारवाड़ी समाज और ऐसे बहुत सारे समाज को मैं जानता हूँ जो उनके अंदर का जो कैपिटल सर्कुलेशन है और जो ट्रस्ट लेवल है और जो इकोनॉमिक्स बनती है वहां पे, वहां पे अगर आप टोकनाइज करेंगे, ये एक मैसिव टोकनाइजेशन होगा। और हम लोग 4 साल पहले इसको गेस किए थे कि ऐसा टाइम आएगा डाउन द लाइन, जैसे बिटकॉइन है वैसे मारवाड़ी समाज टोकन आएगा, सिंधी भाई टोकन आएगा। ये चोरी करने के लिए टोकन नहीं है, आपसे लूटने के लिए टोकन नहीं है, वो कम्युनिटी में वो हेल्प करते हैं। आप जब ये कम्युनिटी में सब्सक्राइब होते हैं आपको इजी एक्सेस मिलता है कुछ चीज के लिए, आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो हर कोई आके आपके द्वार में खड़ा होता है, आपको हेल्प करता है, राइट, वो सब आप टोकनाइज कर सकते हैं, और वो एक कम्युनिटी ड्रिवन टोकन भी बन सकता है।
वेरी ट्रू सर। दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल लोगों ने पूछा है, जैसे कि भाई वजीर एक्स कल चल, जैसे कि भाई जो जिस एक्सचेंज में मैंने खरीदा है कल के वो एक्सचेंज बैंकक्रप्ट हो गया या वो भाग गया, या तो व्हाट अबाउट माय टोकन्स एंड ऑल दैट। सो मिस्टर अभी वाज सेइंग लाइक यू नो फर्स्ट एक्सचेंज व्हिच स्टार्टेड वॉलेट हैज डिसअपीयर्ड इन द पास्ट। या दिस इज व्हाई आई सेड दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आप कभी भी रखना है यहाँ पे रखिए, ट्रेड करना है वजीर एक्स पे जाइए, ट्रेड कीजिए, फिर वापस यहीं पे आए। एक्सचेंज में रखेंगे तो कभी भी गायब हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं। क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर सिंपल भाषा में वजीर एक्स हो या कोई भी एक्सचेंज हो, एक मार्केट प्लेस है। yes. आप मार्केट प्लेस में सब्जी खरीदने गए और ठेली आपने अपना छोड़ कोई ले जा सकता है या वो मार्केट बंद हो सकता है, अगर इसने आपने आपके घर में लाके रख दिया तो इट इज सेफ। जैसे वजीर एक्स इज अ प्लेस टू ब्रिंग टू बायर एंड सेलर, इट्स नॉट करेंसी और एसेट। या राइट, और वो चीज है कि आजकल तो बैंक भी बंद हो जाते हैं, बैंक के पैसे गायब हो जाते हैं, तो वजीर एक्स एक्सचेंज क्या चीज है? लोग डिपॉजिटर्स सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स लाइन खड़े होकर पैसा विड्रॉ करते हैं जब बैंक डूब जाता है, राइट? तो क्या चीज है, तो वो भी हो सकता है, इसीलिए वो रिस्क है। तो फाइनली आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, ये सबसे बेहतर है। करेक्ट सर, आई थिंक काफी चीजें आपने कवर की एंड थैंक यू सो मच। एक मैं छोटा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वी कैन शो दैट यूएसडीटी एंड आई थिंक देन राजेश भाई कैन टेक ओवर एंड पुट द क्रक्स राइट। जो सर ने बताया कि आप यूएसडीटी यानी उसको स्टेबल करेंसी माना जाता है, इट इज प्लेज अगेंस्ट यूएसडी, तो वहां पे बिटकॉइन जैसी वॉलेटिलिटी नहीं होगी। जो बिटकॉइन साल में 40-80% अपसाइड डाउनसाइड जाता है, दिन चार बार जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं होता। और ये फिक्स सेविंग्स जो आप 90 डेज के लिए, उसको आप 66% पे स्टेक कर सकते हैं। देयर इज अ बीयूएसडी जहाँ पे आप 5.6% पे कर सकते हैं। तो दिस आर ऑल स्टेबल टोकन्स, दिस आर लाइक, और इसी तरह हाई यील्ड हो सकता है जहां पे आप 51% बट हियर देन देयर वुड बी अ रिस्क टू योर कैपिटल। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये शेयर करने का लॉजिक एक ही है कि इट इज नॉट के आप हाई रिस्क असेट है या सिर्फ आपको हाई रिटर्न के लिए ही फोकस करो। दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। अगर सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है 2-3 महीने के लिए, यू आर नॉट यूजिंग इट, अगर आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके आप उसको स्टेक करते हो, यू कैन अर्न 6% विच इज अ वेरी गुड रिटर्न कम्पेयर टू अ सेविंग्स अकाउंट और अ एफडी रिटर्न। टैक्सेशन है क्या है, उसको एक्सपेंस में कैसे, आई थिंक वी विल कवर दैट इन मोर एडवांस वर्कशॉप। राजेश भाई वी आर हैंडिंग ओवर टू यू। काफी क्वेश्चंस शायद हम कवर ना कर पाए होंगे, तो विल ट्राई टू रिवर्ट ऑन इट। यस सर, एक मिनट, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप जो दिखा है उसका थोड़ा हाई लेवल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिटर्न का एक शेयर करना चाहता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है, जो नया प्रोजेक्ट है, आपको रिसर्च करनी है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें निवेश कीजिए, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग रिटर्न कितना देता है। ओके, ये इनका बहुत सारा फार्म्स है, और अगर आप जाके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए 614% APR, 599% APR, ये जिंदगी भर नहीं होता है, ये इनका 26 दिन चलेगा। ये देखिए यहाँ पे टाइमर है ऊपर 26 दिन। सो ये एक महीने के लिए किए हैं ये, तो एक महीने में ये बंद हो जाएगा। तो 600% साल का ये लोग देते हैं, अपने टोकन में देते हैं, और ये टोकन का प्राइस अभी $3 चल रहा है। ठीक है, $3 चल रहा है इनका प्राइस। तो आपको फ्री में जो भी टोकन मिलता है, ये जो परसेंटेज में, आप जाके उसको बेच भी सकते हैं इमीडिएटली। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहा है, ये ऑनलाइन है, ब्लॉकचेन पे है, $37,16,000 वर्थ लोग डाले हैं इसमें, और दिन का $20,000 का
20,000 डिफाइन ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए रिवॉर्ड, और ये जो 20,000 ये सब प्रोग्राम है, कोई आदमी बैठ के बांट नहीं रहा पैसा, ये सब प्रोग्राम है। आप डिपॉजिट करोगे 20,000 दिन का मतलब कितना है, अभी इसका प्राइस है $3, तो $60,000 ये लोग सिर्फ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन दीज डिपॉजिट ऑन 37,16,200। ये है प्रोग्रामेबल मनी और ये है हाई लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपको बहुत सारा स्टडीज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप जाके सिर्फ पैसा डाल के 600% अर्न कर लेंगे। यू हैव टू मिटिगेट विद पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू से जाना पड़ेगा, विच विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। थैंक यू। या थैंक यू एवरीबडी एंड थैंक यू प्रोफेसर साहब, इट वॉज एक्सलेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एंड यू हैव जेप्ड ऑल ऑफ अवर माइंड। माई क्रक्स इज दैट सडनली वन आइडिया कम अप इज दैट कि वी शुड बिल्ड, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आउट ऑफ ऑल द पीपल हु हैव जॉइन टुडे एंड इफ दे वॉन्ट टू जॉइन अस, myself and Mithun would like to build up a community which we will call Bitcoin community or crypto community, I can say cryptocurrency community. And we will share you everybody a WhatsApp group. That community main intention is to exchange the idea and brainstorm and everything. This is one of my suggestion, point number one. Point number two, कि योर जर्नी टू एक्सलेंस, योर जर्नी टू लेगेसी, योर जर्नी टू वेल्थ इज नेवर चीप। आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आज का सेशन तो फ्री था, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देवी प्रसाद जी के साथ हम लोग L1, L2, L3 ऐसी तीन जर्नी करें, और ये तीन जर्नी के लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप जो आइडेंटिफाई किया है, उसमें वी विल शेयर क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या चीज करेंगे वो भी बताएंगे। नॉट ओनली दैट, जैसे मैंने बताया आपको कि वी विल शेयर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेबस ऑल्सो, जो आप स्टडी कर सको, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है हमने, और हम सबका इंटेंशन ये है कि बिटकॉइन को यूज करके हम एक लेगेसी बनाए, एक वेल्थ बनाए, और वो वेल्थ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अब बड़े बड़े फिगर्स हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए छोटे फीस के लिए अगर हम अपने आप को सोचेंगे तो ये बड़ी जर्नी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो माई सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपको रियली इंटरेस्ट है इसमें तो आप ज्वाइन करें और इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करें। हम लोग क्वालिटी पीपल चाहते हैं, हम लोग क्वालिटी एक ऐसा कम्युनिटी चाहते हैं कि जिसको हम लोग आइडिया शेयर करें और एक लेवल पे एक दूसरे से नॉलेज को शेयर करके एक चीज पे पहुंचे। थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो हम क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, वो कम्युनिटी पे एक बार ओकेजनली हम लोग काफ़ी चीज लेके आएंगे इसके ऊपर, तो एक बहुत अच्छी ये चीज आ सकती है। एज फार एज आज का जो सेशन है, उसमें एक चीज जो मुझे करक समझ में आता है कि हर एक चीज हम इज ऑलवेज विद द वाइसिस। हर एक चीज का अच्छा पॉइंट भी होता है, बुरा पॉइंट भी होता है, एंड हाउ यू डू इट, आप उसको कैसे करते हैं, उसके ऊपर सारी चीजें पोजीशन होती है। तो क्रिप्टो करेंसी भी ऐसी ही चीज है कि एक चीज है, ट्रेंड है, हम अगर चाहे या नहीं चाहे वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे बढ़ने वाली है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्टरनेटिव करेंसी के तौर पे ये चीज आ सकती है। तो हम सारे लोग एक अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने अपने बिजनेस में एक अच्छे मुकाम पे है, और वी ऑलवेज वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ऐसे लोगों को तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखना ही चाहिए, नथिंग बैड इन दैट। और जैसे देवी प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि वो खुद सीखे, इज अ सेल्फ लर्नर। उन्होंने अपनी जर्नी लर्न करते करते बोले कि हमने लॉस भी किया है। तो कोई भी जर्नी जो है ना, वो आसान नहीं होती है, और
हमारा जब तक हमारे जो भी लोग आज ज्वाइन हुए उसमें से काफी लोग ऐसे हुए कि जो तो पहला मतलब मुकाम है, ये तो पहली स्टार्ट है, तो काफी चीज उसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराए और वी विल अनाउंस इमीजिएटली द सेशन टाइमिंग एंड एवरीथिंग। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो रेलेवेंट हो, इरेलेवेंट हो, कुछ भी हो, हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक PDF फॉर्म बनाएंगे और वो क्वेश्चन का आंसर देवी प्रसाद जी को रिक्वेस्ट करके वो बना के लिखेंगे और ये PDF हर एक लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं उनको शेयर करेंगे। करेक्ट है? तो एक रेडी रेकनर बन जाएगा हर एक के लिए, क्योंकि काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे, तो इट विल बी अ रेडी रेकनर फॉर एवरीबडी। तो वापिस मैं बोलता हूँ कि एक सेशंस के तौर पे एक अच्छी तरह से ये चीज हम लोग करें तो वो बहुत अच्छा है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप तो बता दिया, आपकी सिंसियरिटी बता दी, क्योंकि 2-3 घंटा इन्वेस्ट करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है और इन्वेस्ट करके पेशेंटली सुनना वो उससे बड़ी बात है। और तीसरी बात कि अगर आपको ये सेशन ठीक लगा है तो थोड़ा सा एक और सेक्रीफाइस करके L1 पे आइए, देखिए क्या मिलता है। वहां पे आपको ठीक लगता है तो L2 पे आइए, देखिए क्या हो सकता है। एंड वंस अगेन प्रोफेसर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही एंथुजियास्टिकली हमारे साथ ज्वाइंट हुए, हमारी हर एक बात को आपने सपोर्ट किया और एक आपका टाइम जो आपने दिया उसके लिए रियली थैंक यू वेरी मच, नॉट ओनली फ्रॉम अवर साइड बट फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट साइड। आई एम थैंकफुल टू यू एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। एंड जब मैंने उनको पहली बार फोन किया कि सर आई एम कमिंग अक्रॉस सो मेनी पीपल, आइदर दे आर इन्वेस्टिंग और दे आर कंफ्यूज, यंगस्टर्स आर इन्वेस्टिंग बट स्पेक्यूलेटिंग, वी फील दैट कुछ करे, वर्कशॉप करे या कुछ अवेयरनेस करे सो दैट एटलीस्ट पीपल कैन डू इट इन अ मोर इन्फॉर्म मैनर। और उन्होंने तुरंत ही हाँ बोला कि यस वाई नॉट करते हैं। कई बार हमने टाइमिंग तो उसमें भी उन्होंने काफी अकोमोडेशन हमें दिया, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई एम वेरी मच इन टू के कम्युनिटी बनानी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी, आई डोंट थिंक सो कि कोई अकेला वन सिंगल पर्सन कैन डू लॉट ऑफ स्टडी ऑन दिस, अगर टीम होगी तो आई एम श्योर देर विल बी लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। वन मोर अनाउंसमेंट के जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे लेवल L1 का, मतलब हमारे जो सेशन का, उन लोगों को आज का सेशन रिकॉर्डिंग हम लोग भेज सकते हैं। नहीं सर, दिस वी आर सेंडिंग इट बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ओके, परफेक्ट। हां, दिस इज एन ओपन सेशन फॉर एवरीबॉडी, इट्स एन सो बाय डिफॉल्ट एवरीबॉडी वुड बी मेल्ड एंड यस इट विल बी ओनली एक्सेसिबल फॉर 72 आवर्स। तो ओके, दोस रजिस्ट्रेशंस फॉर देन वी कैन मेक इट अवेलेबल कंप्लीट एक्सेसिबल एंड ऑल दैट। गुड, so I will summing up, thank you very much once again to everybody, professor sir, thank you, and thank you. Let's join for the next session. Thank you. Sure. Thank you very thank much you. Thank you everybody, thank you so much. Yes Rajesh bhai, kafi questions when I attempted ke main maximum sabke questions cover karu but time is a constraint, it's a vast topic, so yes we will try to reach everybody individually also, aur jo aapka suggestion bahut acha hai ki hum uska FAQ bana de, so it would be useful for everybody. Yeah, so thank you everybody, thank you Rajesh bhai, thank you professor, thank you, and I hope to see you all soon, and sure. Let's keep learning this way and let's keep building wealth. Thank you, goodbye, and have a great weekend. Okay.